इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी दोस्तों, मैं आपसे माफी चाहता हूं इस बात के लिए कि मराठी नहीं बोल सकता, इसलिए मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा और अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता। बहुत साल अंग्रेजी बोलता रहा, अंग्रेजी में पढ़ता रहा, लिखता रहा, लेकिन अब कुछ वर्षों से संकल्प लिया अंग्रेजी में काम नहीं करूंगा। उसके पीछे कारण क्या है? एक बार मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था एम्स्टर्डम हॉलैंड में, तो वहां एक रिसर्च पेपर पढ़ने का मौका मिला मुझे। तो मैं मेरा रिसर्च पेपर जब पढ़ रहा था तो एक डच साइंटिस्ट ने खड़े होकर मुझसे पूछा कि आपके देश की नेशनल लैंग्वेज क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है। तो मैंने कहा मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो उसने कहा आप अपना रिसर्च पेपर हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा मेरा रिसर्च पेपर अगर हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने कहा आप हमारे समझने की चिंता क्यों करते? तो मैंने कहा क्यों? तो मैंने कहा आपसे पहले जो साइंटिस्ट आए रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए, उनमें से कितने साइंटिस्टों ने अंग्रेजी में पेपर पढ़ा? तो मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझसे पहले कुछ फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने फ्रेंच में पढ़ा था, और उससे पहले कुछ डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डच में पढ़ा था, एक जापानीज साइंटिस्ट आया था, उसने जापानीज में पढ़ा था, रूस का एक साइंटिस्ट था, उसने रशियन में पढ़ा था। तो उन्होंने कहा ये सब के सब वैज्ञानिक अपने अपने देश की भाषा में पढ़ते रहे, तो क्या हमको ये सब समझ में नहीं आया होगा? तो मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमने व्यवस्था की हुई है, हमारे पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, आप जिस भाषा में पढ़ेंगे हम हमारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन करवा लेंगे, लेकिन आप उसको पढ़िए। तो मुझे पहली बार आश्चर्य हुआ कि मैं हिंदी में पढ़ नहीं सकता। तो उस वैज्ञानिक ने मुझको जो कहा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे गाल पे किसी ने तमाचा मारा। उसने कहा कि 1947 के पहले आपका देश गुलाम था, और अगर आपका जन्म 1947 के पहले हुआ होता और आप अंग्रेजी में पेपर पढ़ते तो मेरे समझ में आता कि आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं। लेकिन अब तो आपका देश आजाद हो गया है और आपका जन्म तो आजादी के बाद का जन्म है, तो आपको अपने देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना ही चाहिए, ये उसका कहना था। तो मुझे लगा कि बात तो वो बिल्कुल सही ही कह रहा है। और उसने एक बात और कही जो शायद सभी ने मानी है और कही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मौलिक काम करना चाहे, कोई बेसिक रिसर्च करना चाहे, कोई मौलिक शोध करना चाहे, तो वो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो अपनी मातृभाषा में चिंतन ना करे। तो उसने मुझे एक नहीं 1001 वैज्ञानिकों के नाम गिनाना शुरू किया कि देखिए ये जितने वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कभी कोई मौलिक शोध किया है तो सबने अपनी मातृभाषा में किया है। तो अगर आप अपनी मातृभाषा में काम नहीं करेंगे तो आप भी मौलिक शोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ काम कर लिया होगा, आप उसकी नकल करेंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको मौलिक रूप से कोई चीज करने को लिए दे दी जाए तो शायद आपके हाथ पैर कांप जाएंगे। तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक ही कहा उसने। और उसके बाद जो जापानीज हमारा कुलीग था उससे मैंने पूछा था कि आपके देश में पढ़ाई कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि सब पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी जापानीज में? हाँ बिल्कुल होती है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई? हाँ वो भी होती है जापानीज। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। मैनेजमेंट की पढ़ाई भी जापानीज में होती है। तो बचपन से लेकर और उच्च शिक्षा तक सारी पढ़ाई जापानीज में होती है। तो मैंने कहा आपको कभी कष्ट नहीं होता? अंग्रेजी के जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको आप जापानीज में ट्रांसलेट करते हैं? उन्होंने कहा थोड़ा कष्ट होता है लेकिन बाद में बहुत आसान हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी अच्छी किताब का आप नाम बोलिए, मैं आपको बता दूंगा कि ये किताब हमारी लाइब्रेरी में जापानीज में उपलब्ध है। तो उसने जो एक दूसरी बात मुझसे कही वो ये कही कि भाषा का सवाल नहीं है, सवाल अपने राष्ट्र के सम्मान का है और अपने संकल्प का है। तो उस दिन से मुझे लगा कि मुझे भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना ही चाहिए। उस दिन के बाद से मैंने दोस्तों ईमानदारी से आपसे कहूं हिंदी बोलना शुरू किया या सीखा, और अभी भी सीख रहा हूं। अभी भी मैं जब हिंदी बोलता हूं तो उसमें बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के आ जाते हैं। तो ये मेरी तकलीफ है क्योंकि बचपन से अंग्रेजियत में पढ़ा हुआ हूं और अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं,
इसलिए अंग्रेजी में बोलना नहीं चाहता और मराठी मुझे बोलनी नहीं आती, इसलिए आप माफ करिएगा, मैं मेरी बात हिंदी में कहूंगा, लेकिन आसानी के साथ मेरी बात आपको समझ में आए उसकी मैं कोशिश करूंगा। जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, ये विषय आपके और मेरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश में जितना महत्व इस विषय का है उससे ज्यादा महत्व दूसरे देशों में इसका हो चुका है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया में जो सेंट्रल यूरोप के देश हैं, मध्य यूरोप जिसको कहते हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ हमारा एशिया का देश जापान भी है, इन सब देशों में कुछ समानताएं हैं और उनकी जो समानताएं अगर आप देखें तो एक समानता सब देशों में नजर आती है वो ये कि ये बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस देश हैं और काफी टेक्निकली साउंड देश हैं। सेंट्रल यूरोप के और खासकर हमारे एशिया में चीन और जापान, तो ये सारे के सारे देश इतने ज्यादा अच्छे मजबूती के देश बने हैं, इसके पीछे कुछ कारण है, कुछ उनकी खासियत है और उनकी खासियत ये है कि उन सारे देशों में राष्ट्र सम्मान और राष्ट्र प्रेम भयंकर भरा हुआ है लोगों में। जैसे जापान में एक नियम है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे, जापान में कोई विद्यार्थी अगर इंजीनियरिंग में पढ़ता है, मेडिकल में पढ़ता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है या कुछ भी करता है, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है, तो जापान का वो विद्यार्थी अमरीका जाने की बात करेगा अगर, या यूरोप जाने की बात करेगा, और वो कहेगा कि मुझको ज्यादा एडवांस स्टडी करनी है और ज्यादा उसमें जानकारी करनी है, तो जापान की सरकार उसके साथ एक समझौता करती है, एक एग्रीमेंट करती है। एग्रीमेंट ये होता है कि वो जापान से जाएगा जरूर, दुनिया के जिस देश में वो जाना चाहता है अपने ज्यादा अध्ययन के लिए, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो जाएगा, लेकिन उसके साथ शर्त ये होती है कि वहां से अध्ययन करने के बाद वापस लौटकर उसको जापान में सर्विस देनी ही पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो जापान से अमेरिका चला जाए और फिर जापान को भूल जाए और अमेरिका में नौकरी करते करते इतना मस्त हो जाए कि उसको याद भी ना रहे कि उसका कोई देश भी है जापान। ऐसा ही फ्रांस में भी है। फ्रांस में जितने सरकार द्वारा चलाए गए इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या वहां के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां भी इसी तरह का नियम लागू होता कि उनको अपनी सर्विसेज देनी ही पड़ती हैं। अमेरिका में बहुत साल तक ये नियम चलता रहा था, अभी पिछले 3-4 साल से ये नियम थोड़ा सा बदला गया है और इसको ढीला किया गया, अन्यथा अमेरिका में तो ये नियम वहां तक चलता रहा था कि टेक्नोलॉजी में काम करने वाला कोई विद्यार्थी अमेरिका छोड़कर अगर दूसरे देश में जाना चाहता है तो उसको अमेरिका की आर्मी में सर्विस देनी ही पड़ेगी, और वो अमेरिकन आर्मी में अगर सर्विस नहीं करेगा तो उसको बाहर जाने की व्यवस्था अमेरिकन सरकार नहीं करने वाली। और सेंट्रल यूरोप में तो 1980 और 1985 तक ये नियम चलता रहा कि सेंट्रल यूरोप का कोई भी विद्यार्थी यूरोप छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर अध्ययन करने की कोशिश करना चाहता है या अपनी कमाई के लिए जाना चाहता है, जीविका चलाने के लिए जाना चाहता है, तो उसको अपने देश की नेशनल सर्विस देनी ही पड़ेगी। तो एक बार मैंने एक सज्जन से ऐसे ही पूछा था, एक मेरे परिचित मित्र है फ्रांस में, है सॉर्बोन में, उनका नाम है जियो मारियां लपें। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में या सेंट्रल यूरोप में या ऐसे अमेरिकन ब्लॉक में और अगर कहें तो जापान और चीन में भी इस तरह के ये नियम हैं, इनके पीछे की सच्चाई क्या, क्यों ये इस तरह के नियम बनाए गए। तो उन्होंने कहा कि राजीव आपको मालूम नहीं है कि ये जो सेंट्रल यूरोपियन देश हैं और खासकर ये जापान है, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो चुके हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन देशों में इतनी बर्बादी आई थी कि उनके पास वो दोबारा खड़े हो पाएंगे ऐसी सोचने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस, और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे किसी देश का हुआ तो वो है जापान, और तीसरे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था जर्मनी, और चौथे किसी देश का नुकसान हुआ तो वो था स्पेन। तो ये सारे के सारे देश, और अमेरिका का भी काफी नुकसान हुआ था। तो उनका कहना था कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब लड़ाई हुई थी तो इन सब देशों में इतनी बर्बादियां हुई हैं, तो ये सारे के सारे देशों ने जब अपने अपने देश को फिर से खड़ा करने का, अपने देश को रीस्ट्रक्चर करने के जो प्लान बनाए, जो योजनाएं बनाई, तो उन सारे की सारी योजनाओं में ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी
कि उनके देश की बुद्धि और उनके देश का इंटेलेक्ट उनके देश के काम में आता है कि नहीं आता। और उन्होंने जो गोल्डन रूल बनाया, जो वर्षों वर्षों चलता रहा पूरे यूरोप में और सेंट्रल एशिया के भी कुछ देशों में ये गोल्डन रूल चला है काफी समय तक, मलेशिया में चला, इंडोनेशिया में चला, तो वो गोल्डन रूल यही था कि हमारे पास अगर इंटेलेक्ट सरप्लस में होगा तब हम उसको बाहर भेजने की बात सोचेंगे, जब तक हमारी अपनी जरूरत का होगा तब तक उसको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी। और मैं आपको एक सॉलिड एग्जांपल देना चाहता हूं। इस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट है बिल क्लिंटन, ये अपने स्टूडेंट लाइफ में मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे, और मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहने के साथ साथ बिल क्लिंटन जिस समय पढ़ते थे तो इनके मन में बहुत बड़ा सपना रहा कि ये फ्रांस में जाएं, जर्मनी में जाएं और वहां पर कुछ ज्यादा पढ़कर या वहां कुछ ज्यादा कमाई करें। तो इन्होंने कोशिश की तो इनको उसी शर्त का पालन करना पड़ा था। और आपको जानकारी है, शायद आपने पढ़े भी होंगे कुछ उस समय के जानकारियों वाले न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में, कि जिस समय बिल क्लिंटन की पढ़ाई चलती थी उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था और अमरीका जो है वियतनाम में मार खा रहा था। तो बिल क्लिंटन को आदेश आया था कि अगर आपको जाना है बाहर कमाई करने के लिए तो आपको पहले अपने नेशनल आर्मी को सर्व करना पड़ेगा। और बिल क्लिंटन ने इच्छा ना होते हुए भी अमेरिकन आर्मी में जॉब की, और अमेरिकन आर्मी में जॉब करने के बाद ही जब उनको लगा, उनके देश के लोगों को लगा होगा कि उनको जितनी जरूरत थी सर्विसेज की उतनी सर्विस मिली, उसके बाद ही बिल क्लिंटन को बाहर जाने का मौका मिला था। ये बिल क्लिंटन कई बार कह चुके, और कई बार पिछले करीब 2 साल पहले बिल क्लिंटन के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई थी, वहां की यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में कुछ स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक की थी, उनके साथ उनके प्रोफेसर भी शामिल थे। तो स्ट्राइक का जो इशू था वो यही था कि इलिनॉय के स्टूडेंट्स चाहते थे कि वो वहां से निकले और दूसरे देशों में जाने का उनको मौका मिले। तो बिल क्लिंटन ने उनको यही कहकर शांत कराया था कि पहले आपको नेशनल सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी, उसके बाद कहीं आप बाहर जाने की बात सोच सकते हैं या उसका सपना देख सकते हैं। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि ये देश दिखने में जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज बहुत सॉलिड माने जाते हैं, और उनके साथ अमेरिका भी है, जापान भी है, चीन भी है। तो इन सबके इतने मजबूत होने के कारणों में सबसे बड़ा कारण है कि इन सभी देशों ने बहुत मजबूती के साथ ऐसे नियम बनाए ताकि उनके यहां से ब्रेन कम से कम हो पाए। लेकिन इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया इन लोगों ने, इसका उल्टा एक दूसरा काम और किया जो शायद ही कोई कहेगा, और मैं उसको पूरी ईमानदारी और निर्भीकता से कहना चाहता हूं। अमेरिका ने अपने देश के ब्रेन को रोकने के लिए, यूरोप के देशों ने अपने ब्रेन को रोकने के लिए तमाम नियम बनाए, लेकिन उसके उल्टी तरफ दुनिया के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बेस्ट ब्रेन उनको मिल सके वो सस्ते दामों पर खरीद लो, उसके लिए उन्होंने दूसरे नियम भी बनाए। हमारे देश का क्रीम उनको सस्ते दाम पर मिल सके, इसी के लिए हिंदुस्तान में IITs बनाने की योजना चली थी। और मैं पूरी निर्भीकता और ईमानदारी से यह कहता हूं, ये कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है जो IIT से निकल कर आते। ये जो IITs खड़े हुए हैं हमारे देश में 5 और 6, छठवां बनारस में, ये सब के सब IITs खड़े हुए हैं अमरीका की एक योजना थी जो भारत में लागू हुई थी, उसमें जो एड आई थी, जो मदद आई थी, उसके आधार पर ये खड़े हुए हैं। एक दिन मैंने प्रोफेसर यशपाल से ये बात कही, प्रोफेसर यशपाल इस देश के बड़े बुद्धिजीवियों में माने जाते हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के प्रेसिडेंट और चेयरमैन रह चुके हैं। एक दिन मैंने कहा, प्रोफेसर साहब अगर अमरीका ने ये योजना चलाई थी इस देश में IITs बनाने की तो उसके पीछे का रहस्य क्या था? तो उन्होंने कहा अमरीका को बहुत सस्ते दाम पर इंजीनियर चाहिए, जो इंजीनियर अमेरिका तैयार करे अगर अपने देश में और उसकी तैयारी पर जितना खर्च आए उससे 1/6 खर्च में वो इंजीनियर भारत में तैयार हो सकते हैं। जितनी पढ़ाई हम करते हैं यहां पर, बीटेक करते हैं फिर एमटेक करते हैं और उस हमारे उसमें समय बर्बाद होते हैं, पैसा लगता है, तो अगर हम हमारे समय का कैलकुलेशन करें और उसके साथ साथ अपने नेशनल रिसोर्सेज का कैलकुलेशन करें तो अमेरिका का यह मानना है। और प्रोफेसर यशपाल ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर यही इंजीनियर जो तुम्हारे IIT में तैयार होता है या देश के IIT में तैयार होता, ये अमेरिका की किसी IIT में तैयार हो तो 6 गुना खर्च आता। तो बहुत कम खर्चे पर इस देश में इंजीनियर तैयार हो सकता है।
और वो इंजीनियर उसका माइंडसेट पहले से ऐसा फिक्स कर दो कि तैयार होने के बाद वो देखना शुरू करे अमेरिका की तरफ, यूरोप की। तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल से मैंने ये कहा था, मैंने कहा यशपाल साहब एक बात और मुझको बताइए कि फिर तो इसका मतलब यह है कि मुझे डाउट होने लगा है कि जो सिलेबस में पढ़कर आया हूं वो सिलेबस मुझे पढ़ाया क्यों गया, मेरे देश की जरूरत के काम में आने वाला है क्या ये सिलेबस? तो उन्होंने कहा कि शायद नहीं। ये उनका कहना है क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन रहे जिसने सिलेबस बनाया दो बार। तो उनका कहना है कि जो सिलेबस तुमको पढ़ाया गया है उसमें से अगर तुम कभी एप्लीकेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद 10 या 20% देश के काम आ सकता है, 80% सिलेबस जो तुमको पढ़ाया गया है वो अमरीका को ध्यान में रख के पढ़ाया गया, यूरोप को ध्यान में रख के पढ़ा। तो मैंने कहा आपने तो पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि हम लोग मजबूरी में यहां से भागें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए व्यवस्था जो की गई है आईआईटी में पढ़ने की, तुमको मालूम है इतने सब्सिडाइज रेट पर तुम बीटेक करके निकलते हो, वहां से एमटेक करके निकलते हो, इतनी कम फीस में तुमको वहां पढ़ाई हो जाती है, तो ये आता कहां से है सब्सिडी? मैंने कहां से आता है कि अमरीका से आता है। तो अमरीका से पैसा आ रहा है और अमरीका के हिसाब का सिलेबस अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उनके लिए तैयार हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि आईआईटी से निकलने वाले पोस्ट ग्रेजुएट तो शायद ही एक आध मिलेंगे जो देश में रुकते हैं, ग्रेजुएट रुकते नहीं इस देश में। और कैंपस इंटरव्यू अब जब से शुरू हो गए हैं तब से लाइन लगी हुई है, धनाधन यहां से जा रहा है। एक दिन मैंने यशपाल साहब से पूछा कि आपने कुछ कैलकुलेशन किया है देश का क्या नुकसान हो रहा? तो उन्होंने कहा हां इतना तो अंदाजा लगता है मुझे। मैंने कहा क्या अंदाजा है आपका? तो उनका एस्टीमेट है कि हर साल हम ब्रेन ड्रेन के मार्फत 15 to 20 billion dollars लूज कर रहे हैं एवरी ईयर। तो हर साल हम 15 to 20 अरब dollars का नुकसान करते हैं जब इस देश का इंजीनियर, इस देश का डॉक्टर, इस देश का प्रोफेशनल मैनेजमेंट का या इस देश का सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का इंजीनियर देश के बाहर चला जाता है और अमेरिकन इकोनॉमी में खप जाता है। और दूसरी बात मुझे भी समझ में आई जिन दिनों मैं यूरोप में घूमता था, कुछ अमेरिकन ब्लॉक की खबरें भी अंदाजा लगना शुरू हुआ था और काफी मैगजीन्स में वहां की मंगाता रहता हूं ये जानने के लिए। हुआ यह है कि पिछले 15-20 साल में अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और उसके कई कारण, उसका सबसे बड़ा कारण वहां के सोशल रिएक्शंस हैं। तो अमेरिकन इंटेलेक्ट बहुत कम हुआ है पिछले 15-20 साल। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 20 साल से अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो टॉपर्स निकले हैं वो सब नॉन अमेरिकन, या तो वो एशियंस हैं या तो वो लैटिन अमेरिकन हैं। यूरोपियंस लोग भी नहीं है वहां के टॉपर की लिस्ट में। तो एशियंस लोग वहां टॉप कर रहे हैं या लैटिन अमेरिकन टॉप कर रहे हैं? और पिछले 20 साल से चूंकि अमेरिकन इंटेलेक्ट में बहुत कमी आई है और पिछले 20 साल से अमरीका में जो टेक्नोलॉजी का काम करने वाले और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ड्रॉपआउट परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ गया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की एक मैगजीन, एक जर्नल मेरे पास आता है, त्रैमासिक है, ट्राई मंथली है, 3 महीने में एक बार आता है, उसमें एक स्टेटिस्टिक्स उन्होंने दिया है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जो खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल बन रहे हैं उनमें से 70% स्टूडेंट ड्रॉप आउट होते, सिर्फ 30% स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेते हैं और अपनी आखिरी कक्षा पास करते हैं। माने फर्स्ट ईयर में लिया तो सेकंड ईयर में गए, सेकंड से थर्ड में गए, थर्ड से फोर्थ में गए, तो ऐसे सिर्फ 30% स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेने के बाद आखिरी समय में पास आउट होकर निकलते। तो उनके यहां पिछले 15-20 साल में इंटेलेक्ट में भयंकर कमी आई है और उनके जो इंटेलेक्ट की कमी है उसको वो पूरा करने के लिए अपना दरवाजा खोल के बैठे हैं कि भारतीय लोग आ जाएं, चाइनीज लोग आ जाएं, जापानीज लोग आ जाएं या यूरोप के कहीं दूसरे हिस्से से आ जाएं। यूरोप के लोग तो ज्यादा जाते नहीं वहां पे, लैटिन अमेरिका के लोग आ जाएं। और वहां ये भी माना जाता है कि ये भारतीय लोग हैं जो यहां आकर बहुत सस्ते दाम पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। उनका इंजीनियर जितनी तनख्वाह मांगेगा उससे 1/3 तनख्वाह में यहां का आदमी काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि उसने डॉलर देखा नहीं कभी जीवन में। वहां पहुंचने के बाद अगर थोड़ा सा भी डॉलर का लालच मिला तो वो चालू हो जाता है उसमें। और अमेरिकन गवर्नमेंट को क्या फायदा है? तो एक दिन प्रोफेसर यशपाल ही मुझको कह रहे थे कि देखो राजीव, अमेरिकन गवर्नमेंट एक साल में जो क्रीम खींचती है एशिया से, लैटिन अमेरिका के देशों से,
तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो क्रीम खींचती है एशिया और लैटिन अमेरिका से, अगर यही क्रीम अमेरिका को अपने यहां प्रोड्यूस करनी पड़े तो अमेरिकन गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा? तो उनका कहना है ऑन एन एवरेज अमेरिकन गवर्नमेंट का एक साल में 150 से 200 बिलियन डॉलर का खर्च हो, जो उनको बहुत सस्ते दाम पर मिल जाता। तो हम लोग हैं दोस्तों, पढ़ते यहां हैं, मेहनत यहां करते हैं, खाते यहां की हैं, और जो भी तकलीफ होते हैं वो यहीं हैं, और बजाते हैं फिर जाके अमरीका, बजाते हैं यूरोप। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, कभी गर्व भी हो सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट जो है MIT, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट में 60% साइंटिस्ट एशियन है जो बेसिक रिसर्च के काम में लगे, 60%। और उसके बावजूद क्या होता है? उसके बावजूद यह होता है कि हम लोग बड़े फक्र से चले तो जाते हैं अमरीका, लेकिन वहां जाने के बाद आपको मालूम नहीं कि हमेशा आपको सेकेंड और थर्ड ग्रेड सिटीजन ही ट्रीट किया जाता है। एक मेरे परिचित हैं जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये वो व्यक्ति हैं जिनको पेटेंट मिला था अमेरिका में यहां से जाने के बाद, और इन्होंने एक नए तरह की डिबेट शुरू की अमेरिका में जाने के बाद। पहले वो यहां CSIR में काम करते थे, CSIR से चले गए वो अमेरिका, उनको प्रोजेक्ट में एक में काम करने का मौका मिला, तो वहां पहुंचकर उन्होंने एक नए तरह का काम किया था। वो कहते हैं कि वो इन्वेंट्री काम था, लेकिन अमेरिकन ब्लॉक में कहते हैं कि वो बहुत इन्वेंट्री काम तो नहीं था, थोड़ा सा डिस्कवरी टाइप का काम था, लेकिन फिर भी उनको पेटेंट मिला। और पेटेंट मिलने के बाद आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम काफी तेजी से अमेरिकन ब्लॉक में चला, और काफी हमको गर्व होता था कि वो इंडियन साइंटिस्ट हैं, और इंडियन साइंटिस्ट हैं तो उनको इतना ज्यादा सम्मान वहां मिल रहा है। लेकिन आज तक आनंद मोहन चक्रवर्ती को जिस स्टेज पर पहुंच जाना चाहिए था वहां से बार बार नीचे धकेला गया, माने उनका बॉस हमेशा अमेरिकन ही रहेगा। वो चाहे जितने इंटेलेक्ट वाले हों, चाहे उनका जितना बेसिक रिसर्च का काम हो, लेकिन अमेरिका वाला जो उनका बॉस है वो चाहे जितना डफर होगा, चाहे जितना बेवकूफ और इडियट होगा, वो आनंद मोहन चक्रवर्ती को कभी भी अपना बॉस स्वीकार करने की हैसियत नहीं आने देगा, और वही उनके साथ हुआ है। और ये आनंद मोहन चक्रवर्ती का केस अकेला केस नहीं है, यही केस डॉक्टर हरगोविंद खुराना का रहा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने मान्यता दी, और डॉक्टर हरगोविंद खुराना की रिसर्चेस को उन्होंने पब्लिश भी किया, और अमेरिका की 2-3 कंपनियों ने डॉक्टर खुराना के रिसर्च पर पेटेंट भी इशू कराए, और डॉक्टर खुराना की तरफ से पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए उस समय $5,00,000 की जरूरत थी, वो भी जमा किए उन्होंने। लेकिन डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जब इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाने की बात आई तो कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। उनके ऊपर एक अमेरिकन डफर आदमी था जिसको शायद ही बेसिक रिसर्च का कोई अनुभव था, वो हमेशा डॉक्टर खुराना का बॉस रहा, और डॉक्टर खुराना उसके 70 BNT रहे, काम करते रहे। और ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना या आनंद मोहन चक्रवर्ती, ये कोई एक दो नाम नहीं है, ऐसे ढेर सारे नाम मैं आपको दे सकता हूं जो गए जरूर यहां से अमरीका, गए जरूर यहां से यूरोप, लेकिन वहां जाने के बाद हमेशा उनको व्हाइट स्किन का जो एग्रेशन है उसको झेलना पड़ा। तमाम बुद्धिशाली होने के बावजूद, तमाम समर्थवान होने के बावजूद उनको यह होना पड़ा। और अमेरिकन ब्लॉक और यूरोपियन ब्लॉक में कभी भी मानते नहीं वो आपको कि आप कोई फर्स्ट ग्रेड सिटीजन भी हो सकते हैं। और अब एक नए तरह की घृणा फैलने लगी है यूरोप में, खासकर फ्रांस में, जो अमेरिकन इंजीनियर्स काम करते हैं, जो अमेरिकन टेक्नोक्रेट्स हैं, जो इंडियन टेक्नोक्रेट्स हैं फ्रांस में काम करते हैं, और वहां मैथमेटिशियंस काफी हैं, हमारे यहाँ के काफी मैथमेटिशियंस फ्रांस में हैं, और काफी मैथमेटिशियंस ने बेसिक रिसर्च के काम किए हैं, उन लोगों को अब वहां एक विचित्र तरह की घृणा का शिकार होना पड़ रहा है। और फ्रांस में अब एक खतरनाक तरह का, एक खतरनाक तरह की राष्ट्रवादी प्रवृत्ति उनमें उभर रही है, और वहां इस तरह की बात करने लगे हैं लोग कि ये इंडियंस लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, जापानीज लोगों ने, मलेशियंस लोगों ने, और ये जो मंगोलियन रेस के लोग हैं, इन्होंने आके हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म कर दी। तो अब उनको एक एक करके लाइन में लगाने का काम शुरू हो रहा। और मैं आपको ताजा उदाहरण देना चाहता हूं न्यूजीलैंड का। पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड से हमारे एशियन ब्लॉक के 1.5 लाख लोगों को निकालकर बाहर किया गया न्यूजीलैंड, और इतने अपमानजनक तरीके से उनको बाहर निकाला गया। उनमें से कुछ लोग जब वापस लौटे भारत में, तो मैंने उनसे उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि राजीव, हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी पूरी सब सीज कर ली,
सिवाय एक टिकट के हमको कुछ नहीं दिया कि जाइए भारत भाग जाइए। उसमें एशियंस लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से बर्ताव किया गया। तो एक तरफ आप वहां जाएं और वहां जाने के बाद जब आप सेकंड ग्रेड सिटीजन हो जाएं और उनके नौकर की तरह से काम करें और वहां क्या बात कही जाती है। एक बार मैंने वहां के एक वैज्ञानिक से पूछा कि आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा देखो इंडियंस लोग हैं या एशियंस लोग हैं, इनकी दो क्वालिटीज हैं, एक तो कम पैसे पे काम करते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हाँ, आप कनाडा में जाइए, कनाडा में एक मुहावरा चलता है और वो मुहावरा नहीं है, सच्चाई है। कनाडा में जाइए, किसी भी अच्छे डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाइए और उससे कहिए कुछ बात, तो वो डॉक्टर से आप पूछिए कि बेस्ट सर्विस चाहिए मुझे, तो कहेगा इंडियन डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। तो ये कनाडा में मुहावरा नहीं है, अब ये सच्चाई है। सबसे अच्छी सर्विसेज कनाडा में जो डॉक्टर्स दे पाते हैं वो इंडियंस हैं, और यही ब्रिटेन में हालत है। सबसे अच्छी सर्विसेज जो दे पाते हैं वो इंडियन डॉक्टर्स। और तब मुझे लगता है कि हर साल हम हमारे देश के हिसाब से अगर लगाएं तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का हम लॉस करते हैं नेशनल एक्सचेकर का। और अमरीका को फायदा ही फायदा है कि इतनी क्रीम को तैयार करने में उसको हर साल 150 से 200 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा, वो सारा का सारा माल उसको 15 से 20 अरब डॉलर में मिल जाता। अब प्रश्न ये है कि हम किसके लिए सर्व करें और क्यों करें। और यहीं पर राष्ट्र की बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, जहां की सर्विसेज हमने ली हैं और इन सर्विसेज में से पढ़कर ही हम इतने बड़े हुए हैं, उस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या हैं। क्योंकि मैंने नहीं देखा मेरे जो साथी गए हैं वापस लौट के आए हों इस देश को सर्व करने के, क्योंकि हमारे यहां आजादी के बाद से एक भी ऐसा कानून नहीं है कि भारत सरकार इस देश के ब्रेन ड्रेन को रोक सके। एक भी कानून इस देश में ऐसा नहीं है। बीच में एक बार पंडित नेहरू ने कोशिश की, और पंडित नेहरू की कोशिश यह थी कि इस देश का ब्रेन ड्रेन रोका जाए और इस देश में ऐसा कानून बना दिया जाए जैसे उस समय अमेरिका में चलता था, यूरोप में चलता था। तो पंडित नेहरू ने जब जब वो कानून बनाने की कोशिश की, तब तब बाहर से धमकी ये आई कि अगर आपने ये कानून बनाया तो हम आईआईटीज को मदद देना बंद कर दें। तो उन आईआईटीज को मदद बंद हो जाएगी और वो चल नहीं पाएंगी, इसी लालच में इस देश में वो कानून आज तक नहीं बन पाया। और अभी तक वो बिल पंडित नेहरू के जमाने में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ था 1957 में ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए, वो बिल आज तक इस देश में पारित नहीं हो पाया। और शायद हो पाएगा, इसमें मुझे शक है, क्योंकि अगर हम उनसे पैसा ले रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं। क्योंकि हिंदी में एक कहावत है, वो शायद मराठी में भी होगी, जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है। अगर आपके आईआईटीज के लिए पैसा आ रहा है अमरीका से एड के नाम पर, तो आप अमरीका की धुन बजाएंगे ही, आप अपने देश की धुन नहीं बजा सकते। तो इसमें दोस्तों नुकसान एक तो देश का आर्थिक रूप से है, और दूसरा उससे बड़ा नुकसान जानते हैं क्या है, कि जो बेस्ट क्रीम है मेरे देश की वो जब देश के बाहर चली जाती है तो देश हमारा फंडामेंटल रिसर्चेज में बहुत पीछे रह जाता। कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अमरीका में जाके किया अगर वही हिंदुस्तान में किया होता, जो काम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने अमरीका में जाके किया वही काम अगर हिंदुस्तान में किया होता, तो शायद इस देश में फंडामेंटल रिसर्चेस के काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली होती। और पिछले कई वर्षों से हमारे देश में बेसिक रिसर्च का काम अगर मैं कहूं तो करीब करीब ठप्प पड़ा हुआ। और आप एक बात जान लीजिए ये कि अगर बेसिक रिसर्च नहीं होगी किसी देश में तो आप अप्लाइड फील्ड में कुछ नहीं कर सकते सिवाय दूसरों की नकल करने की, और वही इस देश में ज्यादा हो रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश में सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है चीन के बाद, 60,000 साइंटिस्ट हैं इस देश में इस समय। मुझे गर्व है यह कहते हुए कि कोई आजू बाजू का देश हमारी टक्कर नहीं ले सकता। और दुनिया के सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेरे देश में, यह भी मैं आपको जानकारी, अमेरिका में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसका करीब 3 से 4 गुना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे देश में, अमेरिका में जितने हाईटेक के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उससे कई गुना ज्यादा मेरे देश में, अमेरिका में जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं उससे ज्यादा हमारे देश में, और यूरोप को पूरा मिला दीजिए, पूरे 12 के 12 यूरोपियन देशों को आप एक साथ मिला दीजिए, उन सब देशों में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उससे ज्यादा हमारे पास है।
और स्टूडेंट्स के लेवल पे जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं तो जितने स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, टेक्निकल फील्ड में, उससे शायद 10 times नहीं 15-20 times ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास है। तो हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या बहुत है, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत है, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक की संख्या बहुत है, आईटीआई की संख्या बहुत है, हमारे यहाँ और दूसरे छोटे मोटे सब्सिडियरी रिसर्च इंस्टीट्यूट सब मिला दें, नेशनल लेबोरेटरीज इस देश में 44 से ज्यादा है जो सीएसआर के कंट्रोल में है। इतना सब होने के बावजूद जो सबसे बड़ी तकलीफ है मुझको वो ये कि मेरे देश में नोबल लॉरियट नहीं, एक भी नोबल लॉरियट नहीं। और एक दिन मैंने ये मेरे मन का दर्द यशपाल जी से कहा था, मैं कई बार उनसे मिलता रहता हूं तो बातें करता हूं, मैंने कहा मुझको हमेशा यही तकलीफ है कि इतना सब होने के बावजूद मेरे देश में नोबल लॉरियट नहीं है। तो यशपाल जी ने मुझे जवाब दिया, वो समझने वाला है, उन्होंने कहा राजीव नोबल लॉरियट होता कौन है, पहले ये सोचो कौन व्यक्ति है जो नोबल लॉरियट हो सकता है। तो उन्होंने कहा सबसे पहली शर्त होती है किसी भी व्यक्ति के नोबल लॉरियट होने की कि वो कोई ऐसी नई चीज दे जो दुनिया में पहले कभी सोची नहीं गई। या तो वो व्यक्ति नोबल लॉरियट हो सकता है, या वो व्यक्ति नोबल लॉरियट हो सकता है जो किसी स्थापित चीज को जो अब तक चली आई है बुरी तरह से खंडित कर दे, डिस्प्रूव कर दे। और यशपाल जी का यह कहना है कि किसी थ्योरम को प्रूव करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसको डिस्प्रूव करना। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इस देश में कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को या एग्जिस्टिंग थ्योरम्स को या थ्योरीज को डिस्प्रूव करे, या फिर वो कोई ऐसी नई चीज दे जिसके बारे में दुनिया सोच नहीं सकती। और ये दोनों ही बातें तब होती हैं जब किसी देश में ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां मौलिक चिंतन हो सके, इनिशिएटिव जिनके अपने हाथ में हो। तो चूंकि यहां मौलिक चिंतन होता नहीं है, और मौलिक चिंतन होता नहीं है, तो आप कल्पना मत करिए कि आप नोबल लॉरियट बनेंगे। और दूसरी बात वो हमेशा मुझसे कहते हैं और उनको मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि नोबल लॉरियट होना डिग्री से नहीं जुड़ा हुआ है। कभी डिग्री से कोई साइंटिस्ट का काम तय करने की कोशिश मत करना, धोखा हो जाएगा इसमें। तुम जो है अपने पूरे इंटेलेक्ट को डिग्री से नापते हो, और जो नोबल लॉरियट होते हैं वो अपने इंटेलेक्ट को डिग्रियों से नहीं नापा करते। तो तुमने पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को डिग्री में फंसा दिया है, और जहां नोबल लॉरियट पैदा हो रहे हैं वहां का एजुकेशन सिस्टम डिग्री से बाहर है। तो चूंकि वहां का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह डिग्री से बाहर है और तुम्हारे देश का पूरा एजुकेशन सिस्टम डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे पास डिग्री है तो तुम्हारे इंटेलेक्ट की बात कोई सोचेगा, अगर डिग्री नहीं है तुम चाहे जितना बेसिक रिसर्च करो कोई तुमको रिकॉग्निशन नहीं देने वाला, ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यशपाल साहब ये प्रॉब्लम कब से है इस देश में, तो उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम अंग्रेजों के जमाने से। और मैंने कहा अंग्रेजों के जमाने से ये कैसे आई, उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया और उनके उस किस्से पर मैंने काफी शोध का काम भी किया। उन्होंने कहा तुमको मालूम नहीं है इस देश में अंग्रेजों ने जब एजुकेशन सिस्टम शुरू किया था तो ये अंग्रेज थे जिन्होंने डिग्री के साथ इंटेलेक्ट को जोड़ना शुरू किया था। और अंग्रेजों के जमाने का ये नियम था कि अगर आप अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट से पढ़कर और डिग्री लेकर नहीं निकले हैं तो आपका रिकॉग्निशन नहीं होगा। और चूंकि उनके स्कूल से उनके इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर कोई निकलता नहीं था तो इसलिए उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता था। तो हर एक आदमी को उनके इंस्टीट्यूट में जाना ही पड़ता था डिग्री लेने के लिए। और दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात यह थी कि अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट में कोई पढ़ने को चला जाए डिग्री लेने के लिए तो पढ़ाई ऐसी होती थी कि आप बेसिक रिसर्च नहीं कर सकते और मौलिक चिंतन नहीं कर सकते। आप उस इंस्टीट्यूट के बाहर रह के मौलिक चिंतन कर सकते हैं लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका रिकॉग्निशन नहीं है। और आप अगर बेसिक चिंतन करना चाहते हैं, मौलिक चिंतन करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजों के जमाने में डिग्री की जरूरत है, और अगर आप बाहर रह के करते हैं तो आपका रिकॉग्निशन नहीं है। और इसी चक्कर में अंग्रेजों ने पूरे देश के टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया। ये एक दिन यशपाल जी ने मुझको कहा, तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूं बहुत सीरियस कह रहा हूं कि मेरे देश का टेक्नोलॉजी का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा इसका माने इस देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा था कि हाँ बिल्कुल रहा था। तो मैंने कहा उस पर कुछ रिसर्च हुई है, उन्होंने कहा नहीं हुई है, करने की जरूरत। तो मेरे जीवन में पहली बार मुझको आश्चर्यजनक एक सच्चाई पता चली कि कभी मेरे देश में टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहा था। तो वो क्या था उसको समझना चाहिए,
तो उन्होंने कहा उसको अगर समझना हो तो तुमको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। मैंने कहा मैं तो टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी पढ़ो जरूर लेकिन हिस्ट्री के साथ, तो समझ में आएगा। और उस दिन से मुझे लगा कि इस दिशा में कुछ काम करने की जरूरत है। समझू तो सही कि भारत का टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, क्योंकि मेरे मन में अक्सर ये आता था। बचपन से मैंने कुछ किस्से कहानियां सुने, आपने भी किस्से कहानियां सुने कि मैरोली में एक खंभा लगा हुआ है, वो कभी जंग नहीं खाता। और आज दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसा स्टील बनाकर नहीं दे सकती जिस पर जंग ना लगे। तो मन में आता तो था कि ऐसा कुछ रहा तो होगा, नहीं तो ये ऐसा खंभा कैसे बन सकता है जो हजारों साल से खड़ा हुआ है। लेकिन उसका बेस क्या था, कैसा होता था, कैसे चलता था, ये पता कैसे चले। और उस दिन से कुछ उस दिशा में समझने की कोशिश की, तो इंडियन साइंस और इंडियन टेक्नोलॉजी को समझने की दिशा में कुछ रिसर्च का काम शुरू किया। और उस रिसर्च के काम को शुरू करने के लिए दुर्भाग्य मेरा ये कि सारे के सारे रिसर्च पेपर लंदन में पड़े हुए, मेरे देश में। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की टेक्नोलॉजी क्या थी, साइंस क्या थी, उसको समझना है तो जाना पड़ेगा लंदन। तो ऐसे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है इस देश में जिनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल, उनके साथ लगकर वहां से कुछ रिसर्च पेपर लेके आया। और वहां से जो रिसर्च पेपर लेके आया, उन रिसर्च पेपर्स को देखना शुरू किया, तो जो अद्भुत जानकारियां मिल रही हैं, मैं तो आश्चर्य से परेशान हूं कि ऐसा भी कभी होता था। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, 1820 का एक पेपर है मेरे पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। वो पेपर क्या है, हमारे देश में विलियम एडम नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर है, और वो विलियम एडम नाम का अंग्रेज ऑफिसर है जिसको अंग्रेजों ने भेजा है भारत का सर्वे करने के लिए। तो वो भारत का सर्वे करने आया है, और भारत का सर्वे अंग्रेज करा रहे हैं ताकि यहां के देश की टेक्नोलॉजी क्या है और इस देश का टेक्निकल मैन पावर कितना है, उनका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं यूरोप के लिए, उसका अंदाजा उनको करना। तो विलियम एडम आया और 1820 से उसने यहां सर्वे करना शुरू किया। तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट कुछ 1017 पन्ने की है, वो पूरी रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से मिल गई और वो हम लोग निकलवा के ले आए। तो विलियम एडम उस सर्वे में क्या क्या दे रहा है, आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे कि भारत जो है हाईली टेक्निकल एडवांस्ड कंट्री है, और यूरोप भारत की टेक्नोलॉजी की तुलना में कहीं भी नहीं ठहरता। और उसमें वो उदाहरण क्या क्या दे रहा है, विलियम एडम की रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि इस समय 1820 में जो स्टील भारत में बन रहा है वैसा स्टील यूरोप में कहीं नहीं बनता। और वो कह रहा है कि मैं गया था कभी डेनमार्क, विलियम एडम कभी गया होगा डेनमार्क, तो कह रहा है कि मैंने देखा है कि यूरोप में सबसे अच्छा स्टील डेनमार्क में बनता है, लेकिन भारत का स्टील डेनमार्क के स्टील से कई गुना अच्छा है। तो रिपोर्ट में वो एक सजेशन दे रहा है, क्या सजेशन दे रहा है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाज बनाने हो, हथियार बनाने हो, स्टील का उपयोग करना हो, तो सारा का सारा स्टील भारत से इंपोर्ट करिए। तो उसने ये जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में, तो इस पर कई ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज को आश्चर्य हुआ कि क्या लिख रहा है ये आदमी। तो जिनको आश्चर्य हुआ है वो लोग भारत में आए हैं कि देखें कहां स्टील बन रहा है भारत में, क्या टेक्नोलॉजी है भारत में स्टील बनाने की। तो विलियम एडम सबको पकड़कर ले गया, मध्य प्रदेश में एक जगह है उसका नाम है सरगुजा, तो सरगुजा ले गया। और सरगुजा में उस समय स्टील बनाने के छोटे 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 10,000 कारखाने, विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट बता रहे। और वो कह रहा है कि ये सब स्टील बनाने के कारखाने जो लोग चलाते हैं उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो स्टील बनाना जानते हैं और परंपरा से वो सब सीखते हुए आ रहे हैं। तो वहां के लोग जब गए हैं, अंग्रेजों की पार्लियामेंट का डेलीगेशन सरगुजा के लोगों के पास जब मिलने को गया है, तो उनका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अंग्रेजी बोलते हैं, सरगुजा के लोग अंग्रेजी जानते नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं कि उन लोगों को स्टील बनाते हुए। और सरगुजा में जो स्टील बनता है उस जमाने में, तो विलियम एडम की सर्वे की रिपोर्ट में उसका स्टेटिस्टिक्स है कि सरगुजा के इलाके में जो 10,000 छोटे छोटे स्टील बनाने के कारखाने हैं, कितना स्टील बन रहा है उनमें उस जमाने में 1820 में, तो अप्रोक्सीमेट 20-30 लाख टन। और अभी 3 महीने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों ने राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर एक गांव तलाशा है, माउंट आबू से थोड़ा निकलकर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, उस गांव की खुदाई हुई है। तो उस गांव की खुदाई में ब्लास्ट फर्नेस निकली
जिनमें कभी भट्टी है जो स्टील पकाने की रही होंगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि आज से करीब 150-200 साल पहले तक इस गांव के आसपास के इलाके में स्टील बनाने का काम होता था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही स्टेटमेंट पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 18 सेंचुरी के आसपास कोयंबटूर के इलाके में ऐसे 150 से ज्यादा गांव थे जहां स्टील बनाने का काम होता। तो यह पूरे देश में जो स्टील बनाने की इंडस्ट्रीज फैली हुई है इसके बारे में विलियम एडम का अप्रोक्सीमेट है, एक अप्रोक्सीमेशन है, अनुमान है कि शायद हिंदुस्तान में, वो लिख रहा है कि शायद हिंदुस्तान में 80 से 90 लाख टन स्टील बनता है 1820 में, और उस समय यूरोप के 12 देशों में कुल मिलाकर मुश्किल से 30 से 40 लाख टन स्टील बनता। और आज इस देश में कितना स्टील बनता, इतना हाईटेक इस देश में मौजूद है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस देश में है, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें हमारा है, और वो लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस समय जो टोटल स्टील प्रोडक्शन है हिंदुस्तान का वो करीब 100 लाख टन के आसपास। तो वो जो रिपोर्ट मिली है तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि अगर ये स्टील बन रहा है तो स्टील बनाने की कोई टेक्नोलॉजी भी रही होगी, समझना चाहिए उसको क्या टेक्नोलॉजी। और अगर वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तो जरूरत इस बात की थी हमको कि हमारी उस टेक्नोलॉजी को हम इनोवेट करते और इंप्रूव करते और आज की जरूरत के हिसाब से उसको डालते, ना कि किसी विदेश से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करके लाते। सरगुजा के इलाके में मैं भी गया उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, तो अभी भी वहां कुछ 30-40 गांव हैं जिस गांव के सरपंच और मुखिया स्टील बनाना जानते हैं। उनमें से एक मुखिया को पकड़ कर मैं बीएचयू ले गया था, बीएचयू में जो आईआईटी है उसके मेटलर्जी डिपार्टमेंट में ले गया, और मैं उस मुखिया को इसलिए ले गया कि सारे प्रोफेसर से इसकी मुलाकात करानी। तो मैंने ले जाके उसको खड़ा कर दिया, और जो स्टील वो बनाता है अपने गांव की भट्टी पर वो स्टील भी मैं लेके आया साथ में। और मैं तो मेटलर्जी का स्टूडेंट नहीं रहा इसलिए मेरा कोई विशेष ज्ञान नहीं है, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन थोड़ा पढ़ता रहा। तो जो मेटलर्जी के एक्सपर्ट्स हैं बीएचयू में उनको मैंने कहा कि आप जरा इसको टेस्ट करिए, ये भाई सरगुजा के गांव में स्टील बनाता है, इसको जरा टेस्ट करिए और मुझे बताइए कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो 3 महीने बनारस यूनिवर्सिटी में इस पर मेटलर्जी डिपार्टमेंट में कुछ लोगों ने काम किया, और काम करने के बाद उनमें से एक प्रोफेसर ने मुझे कहा कि इनका स्टील टाटा के स्टील की तुलना में बस 19 है, कोई बहुत कमजोर नहीं है। तो मैंने कहा टाटा के कारखाने में जो स्टील बनता है उसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और ये आदमी तो अपनी छोटी सी ब्लास्ट फर्नेस पर ये पका लेता है। तो उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि आप इसके साथ जरा डायलॉग कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा यही सबसे बड़ी मुश्किल है हमारी कि हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो ये आदमी जानता नहीं, और ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है वो हम जानते नहीं। तो मैंने कहा फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो रुक गया। तो मैंने प्रोफेसर साहब से मजाक में कहा था इसको आप अपने डिपार्टमेंट में लेक्चरर बना सकते हैं, कहने लगे क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा मैं पूछ रहा हूं आपसे इसको आप मेटलर्जी डिपार्टमेंट में नौकरी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा ये सब स्टूडेंट को स्टील बनाना सिखाएगा जो आप नहीं सिखा सकते। आप जो है स्टील बनाने की थ्योरी पढ़ा सकते लेकिन स्टील बनाना नहीं सिखा सकते इन स्टूडेंट्स को, ये सिखा देगा बनाना। तो उन्होंने कहा राजीव बात तो तुम्हारी सही है, मैंने कहा फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि चलो वाइस चांसलर से बात करते हैं। तो एक दिन गए हम लोग वाइस चांसलर से बात करते, तो वाइस चांसलर साहब ने कहा तुम्हारी सब बात ठीक है लेकिन एक ही बात मुश्किल है कि इसका मैं अपॉइंटमेंट करूं कैसे, इसके पास डिग्री नहीं है। मैंने कहा इस आदमी के पास मान लिया है कि डिग्री नहीं है लेकिन इसके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मुझे मिलना चाहिए, और अगर ये आदमी मर गया तो इसके साथ ये ज्ञान भी चला जाएगा और आपका काम नहीं है क्या ये, कि काम तो है बराबर है सब बात है लेकिन तुम बताओ कि मैं सरकार को क्या लिख के भेजूं कि मैंने एक नया लेक्चरर अपॉइंट कर लिया है उसको तनख्वाह देनी है। तो उनको कुछ दिखाना पड़ता है, अब इसके पास डिग्री नहीं है तो दिखाऊंगा क्या, तो तनख्वाह कहां से आएगी। मैंने कहा तनख्वाह की आप मारिए गोली, हम कोशिश करके अपनी जेब से इसको तनख्वाह देंगे, आप इसको रख लीजिए यहां, मैं चाहता हूं कि ये आ गया वापस ना चला जाए सरगुजा में, कहीं ये मर गया तो मेरे हाथ से ये भी चला जाएगा, सीखने को कुछ नहीं मिल पाएगा। तो वो 10-15 दिन रहा और 10-15 दिन रहने के बाद भाग गया वहां से रात में, और उसके पास में जब दोबारा गया उससे बात करने के लिए तो उसने कहा कि तुम्हारे यहां मेरी बात बैठने वाली नहीं है और मैं वहां रह नहीं सकता, तुमको अगर सीखना है तो मेरे पास आ जाओ, यहां एक स्कूल खोलो, मैं तुमको सिखाता हूं स्टील कैसे बनती।
अब उसकी एक दूसरी तकलीफ और है, वो आदमी उसके पास ऐसे 40 लोग हैं सरगुजा में, जिस गांव में वो रहता है आजू बाजू में उसके पास 40 लोग हैं, उन 40 लोगों का एक प्रदर्शन हम अगली साल करने जा रहे हैं बनारस में, और मैं आपको इन्वाइट करने जा रहा हूं। अगली साल हम बनारस में एक साइंस मेला करने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी और साइंस का, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनस साइंस का एग्जीबिशन हम करने जा रहे हैं। उसमें उन 40 लोगों को हम लगाएंगे, उनका स्टॉल बनाएंगे, और उनके स्टॉल पे हम दिखाने वाले हैं कि वो स्टील कैसे बनाते हैं। आपको मौका मिले आप जरूर आइएगा, मेरा व्याख्यान के बाद मेरा एड्रेस ले लीजिएगा। तो उनकी जो एक दूसरी प्रॉब्लम है वो हम सब समझे सीरियसली, कि उस गांव में ऐसे 40 लोग हैं जो आज भी जानते हैं कि स्टील कैसे बनता है, उन्होंने अपने दादा परदादा पुरखों से सीखा है स्टील बनाने का काम। अब उनकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे देश में एक कानून है अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, वो उनके लिए सबसे बड़ा अड़चन है। उस कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, 1865 का ये कानून है। तो ये कानून जो बन गया है जब से, तब से उन लोगों का रॉ मटेरियल लेना बंद हो गया, वो जंगल से रॉ मटेरियल नहीं ले पाते। अब वहां खदानें हैं, माइंस हैं, आयरन ओर वहां बेस्ट क्वालिटी का है। दो ही जगह पर हिंदुस्तान में बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, या तो गोवा में है और या तो सरगुजा के इलाके। तो बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर है, वो लोगों की प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से वो कानून लागू है तब से वो गांव के लोग जंगल की खदानों से आयरन ओर ला नहीं सकते, और अगर वो ले आए तो वो गैर कानूनी होता, और कभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेते हैं तो जेल के अंदर कर देते हैं उनको। और तकलीफ दूसरी क्या है कि उसी सरगुजा के इलाके से बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर जापान की एक कंपनी निप्पन डेरनो खोद खोद के ले जाती है। 4 जहाज रोज भर के जाते, 4 जहाज आयरन ओर के, और वो जापान में स्टील बनता, वो वापस हिंदुस्तान में आके बिकता। और इस नजदीक के गांव के लोग कहते हैं हमको ये दे दो आयरन ओर, तो कहते नहीं कानून ऐसा है। अब अंग्रेजों ने वो 1865 में कानून बना दिया था, उस कानून के आधार पर इस देश के आदिवासियों को जंगल की संपत्ति लेने से रोक दिया गया था, तो वो आदिवासी बेचारे संपत्ति ले नहीं पाते, इसलिए उनका जो ज्ञान है वो मर रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। मेरी चिंता यह है कि वो 40 अगर जिंदा नहीं रहे तो इस देश में ज्ञान का जो आखिरी भंडार खुलने की संभावना वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये ज्ञान किसी किताब में उपलब्ध नहीं। मैंने बहुत लाइब्रेरीज तलाशे इस देश में, IITs में गया, कहां कहां नहीं गया, किसी भी लाइब्रेरी में इंडियन स्टील की हिंडस, वो इंडियन स्टील जो बनता रहा कभी 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, उसकी हिस्ट्री कहीं भी नहीं है, किसी भी लाइब्रेरी में। तो होना चाहिए वो सब, लेकिन करेगा कौन, किसी को इंटरेस्ट नहीं। और ये चूंकि इंटरेस्ट नहीं है हमको, इसलिए शायद मुझे लगता है कि हमारे देश में जो टेक्निकल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था, अब तक 50 साल में वो नहीं बन पाया। और इसके विपरीत दूसरे देशों में अगर कोई पुरानी उनके पास कोई टेक्निकल वो है नो हाउ, उसको वो प्रिजर्व ही नहीं करते हैं बल्कि लगातार अपडेट करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे देश में ये नहीं हो पाता सरकार की गलत नीतियों के कारण। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, कोयंबटूर के इलाके में कभी आपको मौका मिले तो आप घूमिए, मैंने 30-40 गांव घूमे हैं वहां पर, डाइस बनाने वाले लोग हैं, और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की डाइस बनाते हैं कि जर्मनी से एक ऑर्डर आया, और जर्मनी का एक आदमी उस इलाके में घूम के आता है, उसने भारत सरकार को शर्त लगाई है कि कोयंबटूर के गांव के लोग जो बनाते हैं वही हमको चाहिए। अब उनकी मुश्किल क्या है कि कोयंबटूर के आसपास के गांव में जो डाइस बनाने वाले लोग हैं, जिनके पास टेक्निकल नो हाउ है, वो पढ़े लिखे नहीं, वो साक्षर नहीं, उनको ए फॉर एप्पल नहीं आता, बी फॉर बॉय नहीं आता, उनको बाकी बहुत कुछ आता। तो हम लोगों ने मान ये रखा है कि वो तो बेवकूफ है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है। तो साक्षरता वाले उनको जाके सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। एक दिन मैं पहुंचा तो साक्षरता वाले बैठे हुए थे, उनको सिखा रहे थे। मैंने कहा बेवकूफो तुम इनसे सीखो, तुमको कुछ नहीं आता जो इनको आता, और तुमने इनको ए फॉर एप्पल सिखा भी दिया, बी फॉर बॉय सिखा भी दिया, तो इनके किसी काम आने वाला नहीं है। ये तो जो ज्ञान जानते हैं, जो इनके पास नॉलेज है, उस नॉलेज का हमारे देश के लिए फायदा मिले, उस दृष्टि से इनसे सीखने जाओ, ना कि इनको सिखाने, अप्रोच ये होने की जरूरत है, लेकिन नहीं। और ऐसे ही एक दो नहीं है, हम लोग पिछले कुछ सालों से लिस्ट बना रहे हैं, ऐसे कुछ 36 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो सकते हैं जहां पर हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की टेक्नोलॉजी कभी थी और आज भी हो सकती है, बशर्ते उसको अपग्रेड करने की जरूरत है, इनोवेट करने की जरूरत। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उसको करेगा कौन, हर एक को तो अमरीका जाने की पड़ी है इस देश, हर एक को तो यूरोप जाने की पड़ी है इस देश,
किसी को भी तो इस देश की इंडस्ट्री में और इस देश की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको कभी भी राष्ट्रप्रेम सिखाता नहीं। ये मेरे ही देश का एजुकेशन सिस्टम है जो मुझको राष्ट्रप्रेम नहीं सिखाता, और इसलिए मुझे कभी भी दर्द नहीं होता जब इस देश से भागकर मैं किसी दूसरे देश में पहुंच जाता हूं। तो नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों? नुकसान ये हो रहा है कि हम जा तो रहे हैं बाहर, 15 से 20 अरब डॉलर का नुकसान कर रहे हैं, उनका फायदा कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, जो अभी भी जिंदा है, कहीं कहीं मरती हुई दिखाई दे रही है, उसको अपग्रेड करने के लिए जो हमको नौजवान चाहिए वो मिलते नहीं है, और वो देश का ही नुकसान है, किसी और का नुकसान। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं आपसे ये अपील भी करने आया कि आप में से कुछ नौजवानों को अगर थोड़ी भी प्रेरणा मिले तो मैं अगले साल एक R&D का बड़ा सेंटर खड़ा करने जा रहा हूं, और शायद वो सेंटर वर्धा में खड़ा होगा, गांधी जी के आश्रम के बाजू। वो सेंटर खड़ा करने के पीछे मेरा एक ही सपना है, सिर्फ 1.1 सपना है मेरा, कि जो टेक्नोलॉजी हमारे पास कभी थी और आज भी कहीं है टूटी फूटी अवस्था में, उस टेक्नोलॉजी को आज की जरूरत के हिसाब से हम कैसे मॉडिफाई करें और कैसे वो एप्लीकेबल बने और कैसे फंक्शनल बने ताकि वो इस देश के काम में आए। एक तो ये काम है दोस्तों, और ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम, ये इतना बड़ा काम है। मैं आपको एक ही इशारे से कहना चाहता हूं कि इस देश में कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी, क्योंकि अंग्रेजों के कुछ सर्वे हैं, हमने तो कभी सर्वे भी नहीं किए हैं इस देश में, अंग्रेजों के सर्वे से अंदाजा लग रहा है कि इस देश में स्टील बनाने की इंडस्ट्री कितनी डेवलप थी। एक याद आ गया तो कह दूं, हमारे देश में एक और रिपोर्ट है उसी सर्वे में, एक छोटी सी पुस्तक है, और वो छोटी सी पुस्तक है 1790 की लिखी हुई, और 1790 के साल में एक अंग्रेज ऑफिसर आया है हमारे देश में, उसकी लड़ाई हुई है हैदर अली के साथ। हैदर अली उस समय यहां का वो है नवाब है, टीपू सुल्तान, ये इधर डेकन के इलाके का। तो हैदर अली से लड़ने के लिए एक अंग्रेज ऑफिसर आया, और वो अंग्रेज ऑफिसर पहले भी कई बार हैदर अली से लड़ चुका है। उस अंग्रेज ऑफिसर की लिखी हुई एक छोटी सी पुस्तक है 30-40 पन्ने की, तो वो 30-40 पन्ने की पुस्तक है, बहुत अद्भुत पुस्तक है। तो 1790 के साल की लिखी हुई पुस्तक है, वो भी हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, धूल खा रही थी, उसको मैं ले आया। उसमें वो लिख क्या रहा है ऑफिसर, वो लिख रहा है कि मैं हैदर अली से युद्ध लड़ने गया और युद्ध में हार गया, और युद्ध में जब हारा है वो तो हैदर अली ने उसकी नाक काट ली, हाँ मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है तलवार से, और नाक काट के उसके हाथ में पकड़ा दी और कह दिया कि अब तुम जाओ। तो उस जमाने में क्या होता होगा, अंदाजा मैंने लगाया है, अंदाजे से यह लगता है कि उस जमाने में एक मुहावरा चलता था, आज भी है, कि नाक कटा के आए माने बेइज्जती करा के आए। तो हैदर अली चाहता तो उसको मार देता, लेकिन वो मारा नहीं है उसको, उसकी नाक काटी है, और नाक काटकर उसके हाथ में पकड़ाई है और उसको कहा कि अब तुम भाग जाओ और दोबारा कभी मत आना, अब की बार अगर आए तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो ऑफिसर वहां से भागा, और हैदर अली की सीमा के बाहर जब वो निकला है तो एक गांव का जिक्र उसने किया है, वो गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, उस किताब में है। वो गांव की सीमा पर जब आया है तो एक नौजवान उससे मिलता है और वो पूछ रहा है कि तुम्हारी नाक से इतना खून निकल रहा है, तुम जा कहां रहे हो? तो वो समझ नहीं पाया है, टूटी फूटी भाषा में उसने कुछ बताया, तो वो नौजवान समझा है कि इसकी नाक कटी है और हाथ में देख रहा है कि कटी हुई नाक है। तो उस नौजवान ने उसको इशारे से कहा है कि तुम रुको, मैं तुम्हारी नाक जोड़ता हूं, माने ऑपरेशन करता हूं। तो वो ले गया और उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ है कुछ 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे के ऑपरेशन के बाद उसने सर्जरी की है और सर्जरी करके उसकी नाक जोड़ी है, और 15 दिन वो उस नौजवान के साथ रहा है। उसके बाद वापस लौट के लंदन गया, लंदन जाके उसका एक दोस्त है जिसको वो कहता है कि तुमको कुछ नहीं मालूम, सर्जरी तो हिंदुस्तान में होती है। तो लंदन के कुछ सर्जन आए हैं और वो पहुंचे हैं हैदर अली की सीमा में, और हैदर अली को उन्होंने निवेदन किया है कि हमको आपके उन गांव में जाने की इजाजत दीजिए जहां पर सर्जरी करने वाले लोग रहते हैं। तो वो लोग वहां पहुंचे हैं और वो लोग करीब 1.5-2 साल वहां रहे हैं, सर्जरी उन्होंने सीखी है और सर्जरी सीखकर वापस लंदन गए हैं और फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई। माने 1790 में भारत में सर्जरी की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और यह भी आपको जानकारी दे दूं कि प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में सबसे पहले भारत में आई है, यूरोप में यहां से गई है, यूरोपियंस आए हैं यहां से प्लास्टिक सर्जरी सीख कर गए हैं और तब यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी बनी है और उसके आधार पर इंस्टीट्यूट चले हैं। तो वो पुस्तक में 70-80 पन्ने हैं, बड़े जर्जर अवस्था में है, मैंने उसको कंप्यूटर में फीड करके उसका प्रिंट आउट निकाला और उसकी उसको रिप्रोड्यूस करने वाला हूं मैं उस पुस्तक को, और इस देश के मेडिकल कॉलेजेस में भेजने वाला हूं कि देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा।
और तब इस देश के डॉक्टरों को शर्म आएगी ये कहते हुए कि हम FRS होके आए हैं लंदन से। और वो जो पुस्तक है उस पुस्तक का जिक्र विलियम एडम की रिपोर्ट में भी है। मैं ये विलियम एडम की पूरी रिपोर्ट छापने जा रहा हूं, अगले एक महीने में इस पर पुस्तक आ रही है, आपको भी पढ़ने को मिलेगी। तो विलियम एडम की रिपोर्ट में उस सर्जरी की घटना का उसने रेफरेंस दिया है, और वो रेफरेंस देते हुए विलियम एडम क्या कह रहा, विलियम एडम कह रहा है कि मैंने जब भारत का सर्वे किया है तो भारत में टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कितना है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, उसकी जानकारी वो दे रहा है उस सर्वे में। तो कह रहा है कि पूरे दक्षिण भारत में, माने मद्रास प्रेसिडेंसी में, उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी माने पूरा दक्षिण भारत, करीब करीब 4-5 प्रदेश उसमें शामिल है। तो वो कह रहा है कि पूरी की पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी में 1.5 लाख कॉलेजेस हैं। गांव कितने मालूम है उस समय, गांव की संख्या है मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 के आसपास, जो रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट्स आर्काइव्स में पड़े हैं उनको निकालकर मैंने गांव की संख्या कैलकुलेट की है, तो 1,47,000 गांव है और कॉलेजेस 1.5 लाख। ऑन एन एवरेज हर गांव में 1.25 कॉलेज है या 1.5 कॉलेज है, मान लीजिए एवरेज वैसे निकालना नहीं चाहिए, ये सबसे इडियोटिक वो है कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी अपनी सुविधा के लिए हम कर लें। तो हर गांव में एक कॉलेज है और उस कॉलेज का क्लासिफिकेशन है, विलियम एडम के सर्वे की रिपोर्ट में उन कॉलेजेस का क्लासिफिकेशन है। किस आधार का क्लासिफिकेशन है, कि इनमें से ऐसे कॉलेजेस कितने हैं जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शब्द इस्तेमाल किया है विलियम एडम ने, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं इसमें। तो विलियम एडम की रिपोर्ट कह रही है कि कम से कम 22,000 से 25,000 हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स। तो क्या पढ़ाते हैं उन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में, तो उसने लिस्ट बताई है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि इनमें क्या क्या पढ़ाई होती है। तो वो सब नाम संस्कृत में है, अगर मैं संस्कृत बोलना शुरू करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग यही नहीं जानते हैं, तो इसलिए अंग्रेजी में बोल रहा हूं। क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो नंबर एक पे कह रहा है कि यहां एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाई जाती है। अब आप इस पे कल्पना करिए, एस्ट्रोफिजिक्स 1820 में हिंदुस्तान में पढ़ाई जाती है, आज शायद ही कहीं पढ़ाई जाती है, खत्म हो गई। दूसरा वो कह रहा है कि यहां मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो उसको वो कह रहा है वैदिक मैथमेटिक्स है। और विलियम एडम कह रहा है कि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है ये इतना अद्भुत है कि कोई भी वैदिक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जब आता है, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन दे दो, सेकंड्स में हल कर देता। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो उसने उदाहरण के लिए रिपोर्ट में दिए हैं, तो वो फॉर्मूले मैंने निकाले हैं, और मेरी जो नई आजादी नाम की एक मैगजीन छपती है उसमें पिछले महीने के अंक में मैंने वो फॉर्मूले छापे हैं। आप उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करिए, 10 डिजिट्स के कैलकुलेशन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं विद इन सम सेकंड्स। तब मुझे याद आया कि हमारे देश में, दुनिया में एक बड़ा चर्चित नाम है, उनका नाम है श्रीमती शकुंतला देवी। तो कहते हैं कि वो शकुंतला देवी जी इतनी तेज कैलकुलेशन करती है कि कंप्यूटर भी नहीं कर सकता। तो मुझे समझ में आ गया कि शकुंतला देवी क्या जानती होगी। शकुंतला देवी वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जानती है, और वो वैदिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले इतने जबरदस्त हैं कि कभी भी गलती होने के चांसेस नहीं है, हजारों साल से वो चलते आए हैं, टाइम टेस्टेड है। फिर वो और कह रहा है क्या क्या पढ़ाते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, एथिक्स पढ़ाया जाता है, लॉ पढ़ाया जाता है, फिर यहां पे फिजिक्स पढ़ाई, ये ढेर सारे 17-18 शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, और ये सब हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स हैं। और इन हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यूरोप के किसी भी बड़े साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत बेहतरीन है, ये विलियम एडम का लिखा हुआ वाक्य। तो इसलिए अंत में 1,17-18 पन्ने की टोटल रिपोर्ट है, अंत में कंक्लूजन में क्या लिख रहा है कि अगर इंग्लैंड को यूरोप को कुछ सीखना है तो भारत से आके सीखे, यहां पर टेक्नोलॉजी है। और उन्हीं दस्तावेजों में से मुझे पहली बार पता चला कि हमारे देश में 6वीं और 7वीं शताब्दी में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी। यूरोप उस समय बर्फ के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। नेचुरल बर्फ एक होती है जो पड़ती है, वो तो वहां है जब से यूरोप बना है, लेकिन बर्फ बनाई जा सकती है वो यूरोप को मालूम नहीं था। 6वीं 7वीं शताब्दी में इस देश में बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी थी। और विलियम एडम उस रिपोर्ट में जो रेफरेंस दे रहा है, हर्षवर्धन का रेफरेंस है। हर्षवर्धन इस देश में 7वीं शताब्दी में है, और हर्षवर्धन की राजधानी मेरा अपना गांव रहा है इलाहाबाद, उसको उस समय प्रयाग कहा करते थे। तो प्रयाग हर्षवर्धन की राजधानी है। विलियम एडम कह रहा है कि प्रयाग में बर्फ बनाने के 250 से ज्यादा कारखाने हैं हर्षवर्धन के जमाने में। तो आइसक्रीम बनाने की टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से गई है यूरोप, उनको मालूम नहीं है कि आइसक्रीम कैसे बनाते हैं, यहां से गया है।
और ऐसी बहुत सारी। और एक और मजे की बात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी टेक्नोलॉजी यूरोप में है वो सब इंडिया से गई हुई है। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको इनोवेट किया, इंप्रूव किया, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजिकल नोहाउ है वो भारत का है जो यूरोप में गया है। और यहां आने वाले उनके तमाम जो यात्री हैं, उनके जो व्यापारी हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, उनके माध्यम से वो गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी कभी इस देश में रही है तो जरूर ये देश दुनिया में बहुत बड़ा टेक्निकल देश रहा होगा। तो उसके भी आंकड़े मौजूद हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट की डिबेट है, एक डिबेट उसमें जो चर्चा चल रही है, चर्चा ये है कि 1820 और 1835 के साल में दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 33% एक्सपोर्ट अकेले भारत का, 33%। तो वो एक्सपोर्ट अगर हमारा 33% है 1835 में, माने दुनिया में जो कुल निर्यात है उसका एक तिहाई निर्यात अकेले हम कर रहे हैं, तो इसका माने भारत सिर्फ कृषि प्रधान देश ही नहीं रहा होगा, भारत एक बहुत बड़ा उद्योग प्रधान देश भी रहा होगा। और अगर भारत उद्योग प्रधान देश रहा होगा तो भारत में टेक्नोलॉजी भी रही होगी, और अगर वो टेक्नोलॉजी रही होगी तो उसके शोध करने की जरूरत है कि वो टेक्नोलॉजी क्या थी। हो सकता है उसमें से कुछ टेक्नोलॉजी हमारे पास आज भी उतनी जरूरत की हो जितनी कभी 200 साल पहले हुआ करती थी। इसलिए हमको थोड़ा सा इंट्रिंसिक होने की जरूरत है। हम बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गए, हमको अमेरिका की दुनिया दिखाई देती है, यूरोप की दुनिया दिखाई देती है, अपने देश की दुनिया भी देखनी चाहिए कि यहां क्या पड़ा हुआ है और जो पड़ा हुआ है उसमें से हम हमारे देश के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी दृष्टि से भारत को आपकी जरूरत है। ये जो आज का टाइटल है इंडिया नीड्स यू, वो यही टाइटल है, इंडिया नीड्स यू वो यही टाइटल है। ये जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है जो कभी रही इस देश में हजारों साल, वो टेक्नोलॉजी को इनोवेट करें, इंप्रूव करें, तो शायद भारत की आज की समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और वो कैसे मिल सकता है, मेरे मन में कई बार ऐसा आता है कि यूरोप से आई हुई सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारी समस्याओं का समाधान करेगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। क्योंकि आपको मैं एक मूल पते की बात बता के जा रहा हूं, टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं होती, टेक्नोलॉजी हमेशा लोकल होती है। साइंस यूनिवर्सल हुआ करता है, साइंस जो भारत में है वो अमेरिका में भी होगा, वही फ्रांस में भी होगा, वो जर्मनी में भी होगा, वो यूरोप के किसी भी देश में होगा, लैटिन अमेरिका में भी होगा, टिम्बकटू में भी होगा, कहीं भी होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी भी यूनिवर्सल नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी हमेशा अपने स्थानिक जरूरतों के आधार पर बनती है। तो उसी विलियम एडम की रिपोर्ट से एक और मुझे इशारा मिल रहा है जिस पर मेरा काम करने का मन है। विलियम एडम कह रहा है कि हिंदुस्तान के लोगों को सातवीं शताब्दी में मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन कैसे होता मेटल प्लेट। लेकिन वो आश्चर्य क्या कह रहा है उस रिपोर्ट में, वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तानी लोग छठवीं सातवीं शताब्दी से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है जब किसी मेटल प्लेट को गर्म करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी टेलीविजन नहीं बनाने की कोशिश की। क्यों, समझने वाली बात। हम अगर छठवीं सातवीं शताब्दी से यह बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन कैसे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के एमिशन की थ्योरीज इस देश में मौजूद है छठवीं शताब्दी में, तो हमने कभी टेलीविजन नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, हमारी जरूरत नहीं थी। और इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी यूरोप ने कब जानी है, यूरोप वाले खुद स्वीकार करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एमिशन की थ्योरी हमको ईस्ट से मिली, वेस्ट में नहीं थी। यहां से चीन गई होगी, चीन से फिर यूरोप में गई है। तो यूरोपियन लोग कहते हैं, फ्रांस में मैंने देखा, फ्रांस में सॉर्बन की लाइब्रेरीज में मैंने जो पुस्तकें देखी है, तो एक पुस्तक एक बार मैंने निकाली थी जेएल बेयर्ड पर। जेएल बेयर्ड वो व्यक्ति था जिसने टेलीविजन का आविष्कार किया, ऐसा मानते हैं 1926 में। तो जेएल बेयर्ड जो टेलीविजन का आविष्कारक माना जाता है फ्रांस में, तो टेलीविजन के बारे में कुछ तो वो लिख रहा होगा, क्या लिख रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या उसके मन में कैलकुलेशन चल रहे होंगे जब उसने ये सब बनाया। तो उसको समझने की मैंने जब कोशिश की, तो जेएल बेयर्ड के बारे में जितना साहित्य उपलब्ध है फ्रांस में, क्योंकि वो मूलतः फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, तो वो लिख रहा है खुद के मैंने ये चाइनीज उससे सीखा है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को। तो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन की बात को सीखते हुए उसने टेलीविजन बना लिया। तो उनको टेलीविजन की जरूरत पड़ गई, हमको टेलीविजन की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसकी गंभीरता ये है कि इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात हम दुनिया में सब जगह देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बाद हम उससे टेलीविजन ही बनाएंगे, ये अलग अलग जगह की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना एक थ्योरी है, वो दुनिया में सभी जगह शायद एक जैसी होगी, लेकिन हम उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या इस्तेमाल करेंगे जो एमिट हो चुके हैं, उनसे हम क्या काम लेने वाले हैं, ये लोकल परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
तो फ्रांस में एक वैज्ञानिक ने ये काम किया, क्यों किया, तो वो खुद लिख रहा है उस किताब में, गेल वेयर की एक बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है, व्हाई आई इन्वेंटेड टेलीविजन, मैंने टेलीविजन का आविष्कार क्यों किया, तो वो कह रहा है कि ये मैंने खुशी में नहीं किया, मजबूरी में किया। तो मजबूरी क्या है, तो वो कह रहा है कि फ्रांसीसी सरकार मुझको बार बार कह रही है कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिसके सामने लोग बैठे रहे और कोई रिएक्शन ना करे। तो बैठे बैठे उसको देखते रहे, और वो मशीन ऐसी होनी चाहिए जिसको देखने के बाद लोगों के मन में विचार पैदा होना बंद हो जाए। तो वो कह रहा है कि मुझे फ्रांस सरकार कह रही है ऐसी एक मशीन की जरूरत है, क्यों मशीन की जरूरत है, तो वो कह रहा है कि मेरा जो देश है फ्रांस या यूरोप का पूरा इलाका, यहां पर एक बड़ी बुरी परंपरा है। अब उसको आप चाहे जैसे कहें, बुरी परंपरा क्या है कि वहां हजारों साल लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। तो लोगों को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है यूरोप में, हजारों साल पुरानी परंपरा। तो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम रहते हैं। तो वहां क्या होता है, समाज में यह माना जाता है कि गुलाम आदमी जो होता है वो कभी मौलिक चिंतन नहीं करता, उसका जो मालिक होता है चिंतन सारा मालिक करता है, गुलाम को उस चिंतन के आधार पर चलने का ही अधिकार होता है, वो कुछ अपने से नहीं सोच सकता। तो यूरोप में बड़े लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखने की परंपरा है। फिर बाद में क्या हुआ है, 19वीं शताब्दी के बाद से, 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ये गुलामी के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं, फ्रांस में भी हुए हैं, जर्मनी में भी हुए हैं, इंग्लैंड में भी हुए हैं, सबसे बड़ा आंदोलन आयरलैंड में हुआ है कि हम गुलाम नहीं रहेंगे आपके, हमको आजादी चाहिए, हमको ऐसे चाहिए, हमको वैसे चाहिए। तो जो जातियां पहले गुलाम रह चुकी हैं, सबसे ज्यादा दुनिया में गुलाम बनाने वाली जाति रही है नॉर्मन्स की, जो फ्रांस में एक इलाका है नॉर्मादी, वहां से जो एक जाति निकली है नॉर्मन्स, इन्होंने दुनिया के एक बड़े इलाके को सबसे लंबे समय तक गुलाम बना के रखा। और ये नॉर्मन्स ही है जिन्होंने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड को गुलाम बनाया, इंग्लैंड भी गुलाम रहा है फ्रांस का 10वीं और 11वीं शताब्दी में। तो नॉर्मन्स लोगों ने जब इंग्लैंड को गुलाम बनाया है तो उसमें जो गुलामी के बाद की व्यवस्थाएं हैं उनको वो लागू कराते हैं। तो उसका वन पॉइंट प्रोग्राम है कि गुलाम लोगों को सोचने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही चलेंगे जैसे मालिक कहेगा। तो वहां प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब गुलाम थे तब तो आसानी से चल रहा था सब, फिर गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई, और गुलामी से आजाद होने की बात शुरू हो गई तो हर जाति अब आजाद होना चाहती है। तो फ्रांस में प्रॉब्लम ये है कि सब आजाद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी, इसलिए इनको आजादी तो दे दो लेकिन एक ऐसी गुलामी में फंसा दो जहां से ये उठकर नहीं आ सके। तो टीवी चाहिए हमको, एक मशीन चाहिए। तो वो कह रहा है कि ये जो एमिशन है इलेक्ट्रॉन का, इसका उपयोग क्या किया जाए वो हमारे देश की परिस्थिति पर निर्भर है, और हमको ऐसी एक मशीन बनानी है। तो उसने टेलीविजन के बारे में किससे कहानियां लिखी अपनी उस किताब में, पहले कैसा बना, बाद में कैसे बना, पहले उसमें सिर्फ साउंड आता था, फिर बाद में सिर्फ पिक्चर आता था, फिर बड़ी मेहनत की तो साउंड पिक्चर दोनों आना शुरू हुआ, वगैरह वगैरह, वो डिटेल बातें। अंत में वो लिख रहा है कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये मशीन ऐसी ना बन जाए एक दिन कि सबको पागल बना दे। हाँ, और वो मर गया बेचारा, बाद में यही हुआ है, बाद में यही हुआ। तो यहां पर प्रश्न ये है जो मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि हमारे पास वो साइंस था, हम वो थ्योरी जानते थे, लेकिन हमने टीवी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? भारत में कभी भी किसी को गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है, यहां हर व्यक्ति मुक्त है, हर व्यक्ति आजाद है। पता है कैसे? वो एक छोटी सी बात को समझिए, मेरे मन में हमेशा जिज्ञासा होती थी, मैं मेरी माँ को देखता था कि वो चींटी को आटा डालती है खाना बनाने के पहले। एक दिन मैंने मेरी माँ से पूछा, चींटी को आटा क्यों डालती है? तो कहने लगा, ये कहने लगी कि ये मेरा धर्म है। तो मैंने कहा, ये धर्म का मतलब क्या है, चींटी को आटा क्यों डालती? तो चींटी को आटा इसलिए डालना कि उसको भी जिंदा रहने का हक है। और चींटी को मारा मैंने तो कहती है पाप लगेगा तुझसे, तो ये चींटी को मारना नहीं है, क्योंकि चींटी भी उतना ही महत्वपूर्ण जीव है जितना मैं हूं। माने भारतीय परंपरा में ये जो जियो और जीनोदेव की कल्पना है, ये बहुत गहरी कल्पना कि प्रकृति में जो कुछ भी है वो जिंदा रहने के लिए है, उसके साथ तुम भी जिंदा रहो। तो प्रकृति के साथ सामंजस्य करके चलना है, ये परंपरा है भारत की। प्रकृति के विरोध में आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको प्रकृति के साथ मिलकर चलना है, इसलिए आप प्रकृति को गुलाम नहीं बना सकते, प्रकृति के साथ चल सकते। तो यहां की परंपरा है कि हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते, और हर एक में जीव है तो हर जीव को जीने का अधिकार है, तुमको भी जीने का अधिकार है, तो जिंदा रहो और दूसरों को जिंदा रहने। ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो मुझे समझ में आता है कि चूंकि यहां हर एक व्यक्ति को आजाद रहने का अधिकार है, जिंदा रहने का अधिकार है, और हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष चाहता है, तो मुक्ति जब मिलेगी किसी भी समाज में तब, जब वो गुलाम नहीं रहेगा तब,
तो यहाँ गुलाम बनाकर रखने की परंपरा नहीं है, इसलिए टेलीविजन बने ऐसी कल्पना भी नहीं आई होगी मन। थ्योरी तो थी हमारे पास लेकिन हमने नहीं बना। इसी तरीके से एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं। 10वीं शताब्दी में हमारे देश में आतिशबाजी बनती थी, इसके प्रमाण है, हिस्टोरिकल प्रमाण। आतिशबाजी माने ये कभी कभी फुलझड़ी चलाते हैं हम दीपावली में, जी रोशनियां जो होती है ये आतिशबाजी का जो उद्योग है हिंदुस्तान का सबसे पुराना उद्योग, जो शिवकाशी में चलता है या मद्रास में आसपास के, बहुत पुराना उद्योग है, हजारों साल पुराना उद्योग है। तो 10वीं शताब्दी के तो लिखित प्रमाण है कि इस देश में आतिशबाजी बनती रही है। तो हमारे पास आतिशबाजी बनाने के लिए मटेरियल है और उसी मटेरियल से आप जानते हैं कि बम बन सकता, लेकिन हमने कभी नहीं बना। थ्योरी तो वही है ना, रॉ मटेरियल तो वही इस्तेमाल होने वाला। जो रॉ मटेरियल हम आतिशबाजी बनाने में इस्तेमाल करते हैं उसी रॉ मटेरियल से बम भी बन सकता है और उस बम से हम कई लोगों को मार सकते हैं। यह कल्पना देश के लोगों को आई क्यों नहीं और बम बनाया क्यों नहीं हमने? और दूसरी तरफ यहां से जब आतिशबाजी बनाने की टेक्नोलॉजी यूरोप में गई है तो सबसे पहले उससे बम ही बनाया गया। उन्होंने आतिशबाजी बाद में बनाई है, उन्होंने पहले बम बनाया। वो बेसिक फर्क है चिंतन का, क्योंकि यूरोप में हमेशा मारामारी, हमेशा हिंसा, हमेशा मारधाड़, हमेशा गुलाम बना के रखना, हमेशा आक्रमण करना, आप कल्पना नहीं कर सकते। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड में 1500 से ज्यादा युद्ध हुए, 7वीं से 10वीं शताब्दी, 300 साल। तो मारामारी, इतनी हिंसा। तो चूंकि हिंसा वाला मानस है तो हिंसा वाला मानस पहले बम बनाएगा, और अहिंसा वाला मानस है वो आतिशबाजी जरूर बनाएगा लेकिन बम नहीं बनाएगा। इस मानस को समझिए, ये भारतीय मानस है। और यहीं पर यूरोप और भारत में फर्क करके देखने की जरूरत है कि हम यूरोप क्यों नहीं हो सकते। हम हमारी सारी ताकत लगा दें तो भी यूरोप नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मानस भारतीय है। आचरण में चाहे जितने आप यूरोपियन बन जाइए, मानस से आप हमेशा हिंदुस्तानी रहेंगे, तो आप हिंदुस्तानी ही रहेंगे मानस से। तो यूरोपियन बनने की हम कोशिश क्यों करें फिर, जब हमारा मानस भारतीय है तो भारतीयता में ही हम आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना करें। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी बनेगी। फिर टेक्नोलॉजी के दो तरह के एक प्रयोग हो सकते हैं, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में आप देखेंगे, क्योंकि उनका मानस मारामारी वाला है, वॉयलेंस वाला है, इसलिए वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। सैटेलाइट इंडस्ट्री अगर उनकी बनेगी तो वॉर इंडस्ट्री बनेगी। और यूरोप और अमेरिका में आप जान लीजिए, जितना भी टेक्निकल नो हाउ वहां है उपलब्ध और जो भी डेवलपमेंट होते हैं सबसे पहले वॉर इंडस्ट्री में जाते हैं एप्लीकेशन के। और दुर्भाग्य से अमरीका में और यूरोप में जो वैज्ञानिक तैयार होते हैं उन वैज्ञानिकों के खून पसीने की कमाई हथियार बनाने में ही सबसे ज्यादा काम में आती है। हमारे यहां अगर ऐसे डेवलपमेंट होंगे भी तो हमारी तो बात ही अहिंसा से शुरू होती है, इसलिए वॉर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में इतनी उस तरह की नहीं बनेगी जैसी यूरोप में होगी, अमेरिका में होगी। तो ठीक है, उनके अपने पैराडाइम है, हमारे अपने पैराडाइम है। हम गड़बड़ी हमेशा ये करते हैं कि उनके पैराडाइम को अपना बनाने की कोशिश करते हैं और वो कभी होता नहीं, क्योंकि हम मानस से भारतीय है और वो मानस से यूरोपीय है। तब यहां पर यह महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर टेक्नोलॉजी लोकल है और साइंस यूनिवर्सल है तो लोकल जरूरतों के हिसाब से टेक्नोलॉजी बननी चाहिए, ना कि बाहर की जरूरतों के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में ये जो मोटर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, मारुति आ गई, सीएलओ आ गया, फलाना ढिमाका, ये सब लोकल जरूरत के हिसाब से नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में कारें कितनी चलाएंगे आप, उसकी एक लिमिट है ना, क्योंकि आपके पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, जो भी है थोड़ा सा उसको आप पूरा नहीं कर पाते अपने लिए, तो बाहर से खरीद के लाना पड़ता है आपको डीजल और पेट्रोल। तो जिस चीज में हम सेल्फ सफिशियंट नहीं है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, उस चीज के आधार पर हम हमारी टेक्नोलॉजी कैसे आगे ले जाएंगे? कहीं ना कहीं आपको परावलंबन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी तो दिमाग बंद हो गया है इससे। धुआंधार सबसे ज्यादा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट इस समय हो रहा है तो हिंदुस्तान में कार बनाओ। मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि कार बनाते चले जाएं तो कितनी कार बन सकती है। तो जनरल मोटर्स आ गया, फोर्ड आ गया, ये आ गया, वो हुंडई आ गया, तो फलाना आ गया, तो ये मर्सिडीज भी आ गया, तो बेंज भी, सबको बुला लिया इन्होंने, और कार बनाओ तो हिंदुस्तान की तरक्की हो जाए। तो हम लोग बहुत तरक्की अगर मान लीजिए कर लेंगे किसी दिन, मान लीजिए हाइपोथेसिस, और आप तो चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी के आदमी इसलिए हाइपोथेसिस आप तो बहुत आसानी से अज्यूम कर सकते। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि मान लीजिए हमने बहुत कार बनाई और डेवलपमेंट इतना कर लिया कि हिंदुस्तान के हर परिवार में एक कार,
तो इस देश में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ परिवार है, तो 96 करोड़ की आबादी, तो 20 करोड़ परिवार में हर परिवार में एक कार, तो मान लीजिए मर्सिडीज बेंज हरेक के पास। अब आप लाइन से लाइन से लाइन से 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज को खड़ा करिए, क्योंकि 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज खड़ी होगी तो जमीन तो चाहिए ना, तो एक मर्सिडीज बेंज को खड़े होने के लिए कम से कम 100 स्क्वायर फीट तो चाहिए, कम से कम 10x10 की जगह तो चाहिए, मैं तो कम कह रहा हूं, शायद इससे भी ज्यादा 200 स्क्वायर फीट में, क्योंकि बड़ी गाड़ी होती है, तो 200 स्क्वायर फीट एक मर्सिडीज बेंज के लिए, तो 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज के लिए, तो 200 × 20 करोड़ तो कितना, करीब 4000 करोड़ स्क्वायर फीट। अब इस 4000 करोड़ स्क्वायर फीट को स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, तो एक दिन मैंने हिसाब लगाया तो जो हिसाब निकला वो पता चला कि इतनी तो हिंदुस्तान के सड़कों की कुल लंबाई नहीं है, और अगर हमारी सड़कों को सब एक लाइन से जोड़कर अगर आप खड़ा कर दीजिए तो 20 करोड़ कार खड़ी नहीं हो सकती, चलेगी कहां भैया, आप समुद्र में ले जाके तो खड़ी नहीं करेंगे उस कार को, और मान लीजिए आपने चलाना शुरू किया तो हर एक कार से दूसरे कार का डिस्टेंस आधा किलोमीटर तो चाहिए, और अगर आधा किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं हुआ तो जान लीजिए 20 करोड़ मर्सिडीज बेंज जो ट्रैफिक जाम करेंगी आप 10 साल में अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, कभी फंस गए तो फंस गए, गई गाड़ी, अब हो सकता है आप पैदल उतर कर चलना शुरू करें तो अपने घर पहुंच जाए, लेकिन आप कार से कभी नहीं पहुंच पाएंगे, काहे की बेवकूफी है भाई, कार से डेवलपमेंट थोड़ी होने वाला है, और तब उसका एक दूसरा बात भी समझ में आती है, हमारे देश में एक बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेमिनार हुई थी, मैं भी गलती से चला गया, गलती मेरी इसलिए कि ऐसे उल्टे सोच वाले लोग जो होते हैं वो मिसफिट होते हैं, तो मैं अपने आप को मिसफिट मानता हूं इस सिस्टम में, तो गलती से किसी ने मुझे कह दिया कि तुम भी आ जाना उस सेमिनार में, तो मैंने कहा सेमिनार है किस पर, तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेमिनार, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं देखें क्या एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व होती, तो सेमिनार में गया तो एक सेक्रेटरी आया था भारत सरकार की तरफ से, उसका सारा रोना धोना विधवा विलाप कर रहा था, क्या कर रहा था, पेट्रोल की क्राइसिस है, डीजल की क्राइसिस है, ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट इतना हो गया, इतना इंपोर्ट करना पड़ता वगैरह वगैरह और कार्बन, तो मैंने कहा ये किसको सुना रहे हैं आप, काहे का रोना रो रहे हैं, आप तो सरकार के हिस्से हैं और भारत सरकार ने लाइसेंस दिए हैं सब कार बनाने वाली कंपनियों को, तो आप चाहें तो ये लाइसेंस रद्द कर दीजिए, काहे को ऑयल पूल अकाउंट के डेफिसिट का रोना रो रहे हैं, तो थोड़ी देर चुप हो गया, तो मैंने फिर उसी दिशा में बात को आगे बढ़ाया कि आप ये भी कहते हैं कि 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट है, आप ये भी कहते हैं कि हमारे पास डीजल पेट्रोल की कमी है, और दूसरी तरफ कार बनाने का लाइसेंस भी देते चले जा रहे हैं, धनाधन 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 हर विदेशी कंपनी को बुलाते चले, कैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो मैंने कहा राजीव भाई क्या करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो करवाना, मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुद्धि से करवाना या बेवकूफी से, जहां चाहो वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट कराना, कहने लगा अच्छा आप ही बताइए क्या होगा, मैंने कहा आपका ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट कितना, कहने लगे 20,000 करोड़, मैंने कहा इसका सोल्यूशन है मेरे पास, आप कहिए वायदा कि मैं आपको लागू करके दिखाऊंगा, मैंने कहा, कहने लगा हाँ बताइए तो सही, मैंने कहा चलो लिखना शुरू करो, सबसे पहली बात कि हिंदुस्तान में आप ये देखो कि आपको ये मोटर इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है, तो कहने लगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन कितना है आपके सेक्टर में, गुड्स का कितना है और मैन पावर का कितना, तो उसने कहा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो गुड्स का है, तो उसके लिए ही सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल चाहिए, तो ट्रेन से गुड्स जाता है, मोटर से गुड्स जाता है, हवाई जहाज से जाता है, फलाने डिबाग, मैंने कहा आदमी कितने जाते हैं, कि आदमी तो राजीव भाई बहुत नॉमिनल है, उसकी बात माइनस कर दीजिए, गुड्स की बात करिए, तो मैंने कहा चलो गुड्स में देख लो, तो गुड्स में कितना ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसने कहा जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने कहा उसका आप मुझे ये क्लासिफिकेशन बताओ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कितना परसेंटेज ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितना परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, माने मोटर से, ट्रक से, बस से, कार से, ट्रेन से, हवाई जहाज से कितना जाता है माल, और बैलगाड़ी से कितना जाता है, घोड़ा गाड़ी से कितना जाता है, ऊंट गाड़ी से कितना, इसको मार्क करिए, 60% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बैलगाड़ी से हो रहा है, घोड़ा गाड़ी से हो रहा है, ऊंट गाड़ी से हो रहा है, इससे हो रहा है, उससे, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, सिर्फ 40%, तो मैंने कहा अगर 40% ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तब आपका ऑयल पूल अकाउंट डेफिसिट 20,000 करोड़, मान लीजिए 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में कर दें, तब कहने लगा तब तो 60-70 हजार करोड़ पर पहुंचेगा ऑयल पूल अकाउंट,
और मैंने कहा इसी के विपरीत मान लीजिए हम 100% ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ले जाएं, तब तो कहने लगा तब तो ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट ही खत्म हो जाएगा। तो कहने लगा फिर ये होगा कैसे? मैंने कहा बहुत आसान काम है, हिंदुस्तान की बैलगाड़ियों में बियरिंग लगा दो, क्लच लगा दो और स्पीड बढ़ाने का कुछ साधन बना दो, और आपका ये जो बैल है, आपका ये जो घोड़ा है, आपका ये जो ऊंट है, जितना माल ले जाता है बियरिंग लगाने के बाद यही ऊंट, यही बैल, यही घोड़ा कम से कम 2-3 गुना माल ले जाएगा। और अगर आपने इसमें क्लच सिस्टम लगा दिया, जैसे कि स्कूटर वगैरह में स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कुछ और सिस्टम बनाया, उसमें कुछ भी XYZ उसका नाम दे दीजिए, तो थोड़ा ब्रेक का सिस्टम और स्पीड का सिस्टम, तो बैल एक बार इनिशिएटिव लेगा फिर तो मोमेंटम बन ही जाएगा, और मोमेंटम बन जाएगा तो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही। फिर प्रॉब्लम आएगी गाड़ी रोकने में, तो गाड़ी रोकने में प्रॉब्लम आएगी तो ब्रेक रखो, तो बैलगाड़ी में ब्रेक क्यों नहीं हो सकते? मारुति कार में ब्रेक हो सकते, तो बैलगाड़ी में भी ब्रेक हो सकते हैं, यहाँ हो तो सकते हैं। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है इसमें? तो उन्होंने कहा आपकी बात समझ में आती है लेकिन करेगा कौन? मैंने कहा वो आपका करना, मुझे थोड़ी करना, आप सरकार में बैठे हैं, पॉलिसी बनाइए। और मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि आपका 20,000 करोड़ का ऑयल पूल अकाउंट का डेफिसिट खत्म हो जाएगा। तो फिर उसने एक सवाल पूछा कि राजीव भाई अच्छा आपकी बात एक बात तो समझ भाई, लेकिन ये बताइए बड़े बड़े कंटेनर कैसे जाएंगे? फिर हमारे पास ट्रक नहीं होगी, बैलगाड़ी वो सॉरी मालगाड़ी नहीं होगी, ट्रेन नहीं होगी, तो बड़े बड़े कंटेनर हमको एक गांव से दूसरे गांव भेजने वो कैसे जाएंगे? तो मैंने कहा बड़े बड़े कंटेनर भी जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? मान लीजिए दिल्ली से कोई कंटेनर हमको मद्रास ले जाना, तो क्या करेंगे हम? गाड़ी ऐसी बनाएंगे जिसमें कंटेनर फिक्स हो सके, और वो गाड़ी कोई बैल और गाड़ीबान लेके चलेगा, दिल्ली से गाजियाबाद तक आएगा तो बैल बदला जाएगा, गाड़ीबान भी बदला जाएगा, गाड़ी नहीं बदली जाएगी। फिर गाजियाबाद में आके एक नया बैल लग जाएगा, नया गाड़ीवान लग जाएगा, वो मान लीजिए आएगा आगरा तक, फिर वहां पे बैल बदल जाएगा, गाड़ीवान बदल जाएगा, गाड़ी वही चलेगी, फिर तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा और मद्रास तक कंटेनर पहुंच जाएगा। इसमें होगा क्या कि आपको थोड़ा मैन पावर ज्यादा लगेगा, बैल ज्यादा लगेंगे, तो बैलों के उत्पादन के लिए और मैन पावर को, आपके पास तो मैन पावर है ही, दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे, और बैल और गाय का ज्यादा इस देश में आप वो करवा दो तो वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो तो हमारे एनर्जी का बहुत बड़ा इस्तेमाल हो सकता। तो मैंने कहा अच्छा हिसाब लगा लो, अगर इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो तो साल में कितना पैसा बचेगा भारत सरकार को? तो वो सेक्रेटरी का कहना, मेरा कहना नहीं, सब हिसाब लगा के कहने लगा कम से कम 14-15 हजार करोड़ तो बच ही जाएगा। तो मैंने कहा 14-15 हजार करोड़ बचे तो ये देश के काम आएगा कि नहीं आएगा? कि हाँ काम तो आएगा। तो मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो कहने लगा राजीव भाई प्रॉब्लम वो है कि बैलगाड़ी में बियरिंग कौन लगाएगा? मैंने कहा इतने साइंटिस्ट बैठे हैं इस देश में, तो मैंने कहा वो तो सब अमेरिका जाने का सपना देखते हैं, बैलगाड़ी में बियरिंग लगाएंगे तो हिंदुस्तान के गांव में जाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान के गांव में कौन जाना चाहे? मैंने कहा आपने उनकी ट्रेनिंग ऐसी की है कि वो बाहर भागने का सोचते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग बदल दीजिए, वो भारत में रहने की बात भी सोच सकते हैं। तो मैंने कहा फिर तो आपको पूरी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। मैंने कहा प्रश्न यही है कि पूरी पॉलिसी बदल दीजिए। तो कहने लगा तब तो क्रांति करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्रांति व्रांति कुछ नहीं, थोड़ी सी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। अब तुमको क्रांति लगती है तो क्रांति मान लो। मतलब क्या है? मेरे देश की जो लोकल जरूरत है और मेरे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन करके टेक्नोलॉजी बनाऊं तो देश के काम आए, ना कि दूसरों की नकल पर मैं कुछ ले आऊं और उसको हिंदुस्तान में अप्लाई करने की कोशिश करूं। तो मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि दिमाग को थोड़ा खुला रखिए और आसपास में इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसमें से हम इस देश के लिए क्या बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करिए। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं डॉक्टर सीवी रमन का। उन्होंने अपना जब एक्सपेरिमेंट किया था तो कुछ करोड़ रुपए नहीं लगे थे, आपको मालूम है 300 कुछ रुपए का खर्चा था रमन साहब के एक्सपेरिमेंट। और आज हम जब कल्पना करते हैं कि कुछ विशेष करें तो पहले करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट बनाओ, वो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट सेंक्शन होगा, फिर उसमें सेमिनार्स होंगे, तो फिर उसमें ये होगा तो वो होगा, और अंत में रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। उससे तो बढ़िया सीवी रमन साहब थे जिन्होंने 300 कुछ रुपए में अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। तो पूंजी से कभी कुछ नहीं होता, होता है संकल्प शक्ति से और उपलब्ध में रिसोर्सेज से। तो इस देश में जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं और इस देश में जो मैन पावर है उस मैन पावर का इस्तेमाल करते हुए, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम इस देश की टेक्नोलॉजी को बनाएं। और फिर मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अंधभक्त मत बनिए, जो कुछ बेस्ट से आ रहा है वो बेस्ट नहीं है, कई बार वो खराब भी होता। और हम कई बार क्या करते हैं
कि बाहर से जो आ गया, विदेश से जो आ गया, उसी को मान लेते हैं कि बड़ा भारी चीज आ गई है, इंपॉर्टेंट चीज आ गई। जैसे उदाहरण के लिए हमारे देश में रेफ्रिजरेटर आ गया, क्या करें इसका, क्यों आया ये हमारे देश में, इसकी जरूरत क्या है हमको, तो आपको मालूम नहीं है ये किसका रेफ्रिजरेटर था। कैल्विनेटर वाली कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है वो हिंदुस्तान में रेफ्रिजरेटर लेके आई। क्यों लेके आई? नॉर्दिक कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन के सिस्टम को जब पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया और उनको ये समझ में आने लगा कि इस रेफ्रिजरेशन के सिस्टम ने सीएफसी की प्रॉब्लम बढ़ा दी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एमिशन ज्यादा होने लगा है, ओजोन का डिप्लीशन शुरू हुआ है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी बहुत गंभीर असर पड़ा है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होने लगा है, तो वहां के वैज्ञानिकों ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि अब ये रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए। बनाया उन्होंने ही था सबसे पहले, क्यों बनाया था, उसकी भी उनकी प्रॉब्लम थी। उन्होंने रेफ्रिजरेटर इसलिए बनाया कि उनके देश में खाना बनाने की परंपरा नहीं है ताजा। वहां क्या होता है, सप्ताह में एक दिन खाना बनाते हैं और 7 दिन उसी को ठंडा कर करके खाते हैं। यहां की तरह से नहीं होता कि सवेरे भी गर्म रोटी मिले और शाम को भी गर्म रोटी मिले, दोपहर को भी गर्म रोटी। यूरोप में जितने दिन मैं रहा मैंने कोई भी मां नहीं देखी जो अपने बेटे को गरम गरम आलू का पराठा बना के खिलाती है। मेरी मां तो खिलाती है मुझसे। और यूरोप में मैंने कोई पत्नी नहीं देखी जो अपने पति को गरम गरम रोटी बना के खिला सकती हूं, कोई नहीं देखा। वहां तो खाना है तो ठूस लो अपने मुंह में जितनी जल्दी खा सको। इसलिए उनके यहां प्रॉब्लम थी तो उन्होंने फास्ट फूड की चेन चलाई। फास्ट फूड माने एक बार बन जाए और बार बार उनको खा सके। अब रखने की प्रॉब्लम है, आपको मालूम है कि खाना बहुत कम टेम्परेचर में भी जल्दी खराब होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी जल्दी खराब होता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर टेम्परेचर गया तो खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गया तो भी खाना खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनके यहाँ प्रॉब्लम यह है कि -19 डिग्री सेंटीग्रेड -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अक्सर हो जाता तो खाना खराब होता। तो उनको लगा कि कुछ ऐसी मशीन चाहिए, तो उन्होंने मशीन बनाई जिसमें हम टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके, बहुत नीचे भी ना जाए बहुत ऊपर भी ना चला जाए। तो उसके लिए उन्होंने फ्रिज बना लिया, रेफ्रिजरेटर बना लिया। अब उसका इस्तेमाल भी उन्होंने किया। अब फ्रांस में मैं देखता था कि उसका इस्तेमाल सच में समझ में आता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में पेरिस में सब्जी मंडी में हरी सब्जी एक ही दिन मिलती है सप्ताह, और वो भी लैटिन अमेरिका से आती है या अफ्रीका से आती है या हिंदुस्तान से जाती है तब मिलती है। तो उनकी प्रॉब्लम है कि हरी सब्जी जितनी ज्यादा से ज्यादा खरीद के लाओ, फ्रिज में बंद करके रख दो, सप्ताह भर वही खानी है, मिलेगी नहीं दोबारा से। अभी पिछले एक साल से उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, नहीं तो ये प्रॉब्लम उनके यहाँ बहुत पहले से थी। तो उनकी प्रॉब्लम है कि सब्जियां अक्सर नहीं मिल पाती, सब्जियों का उत्पादन भी इतना अच्छा नहीं है उनके यहाँ, दूसरे देशों से आती है तो उस पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इकट्ठी खरीद के भर के रखना है, और खाना बनाने की चूंकि परंपरा नहीं है तो एक बार खाना बना देना है, सप्ताह भर उसी को खाना है, रिपीट करना है। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने फ्रिज बनाया। बाद में क्या हुआ, उसी फ्रिज से प्रॉब्लम और बढ़ी। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिपेशन बहुत हुआ, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात आई, एमिशन की बात आई, ओजोन की डिप्लीशन की बात आई, तो उन्होंने कहा इसको रिजेक्ट करो, ये फालतू की चीज है। अब कैल्विनेटर कंपनी को लगा कि अगर ये सब रिजेक्ट हुआ तो हमारा तो सब डूब जाएगा पैसा, इतनी मशीनें बना के खड़ी हुई हैं। किसी ने उनको कहा कि तुम हिंदुस्तान चले जाओ और एक ले जाओ, और किसी तरह से इसको ले जाके तुम इसको स्टेटस सिंबल बना देना, एडवर्टाइजमेंट ऐसा करना कि हरेक को लगने लगे कि ये स्टेटस सिंबल है, तो बस तुम्हारा काम चल जाए। वो आ गए लेके यहाँ पे, और भारत की सरकार से उन्होंने एग्रीमेंट भी कर लिया। फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू किया, तो मैं बराबर आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले टेलीविजन का एडवर्टाइजमेंट आता था कि अगर आपके घर में टीवी नहीं है, वो सॉरी फ्रिज नहीं है, तो आपका घर बहुत घटिया है, बेकार है, आप फालतू आदमी है, आप स्मार्ट नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो रोज जब कोई आपको ये बात कहेगा, बार बार कहेगा, तो किसी ना किसी दिन तो आपको झक चली जाएगी कि चलो खरीद ही लाओ अब इसको। तो हमने क्या किया, वो खरीद लाए अपने घर में, अब रख लिया हमने, अब ले तो आए लेकिन करें क्या उसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी वो हमारी नहीं है, वो विदेशी है। अब उसका करें क्या, तो खाली रखा है तो पड़ोसी आएगा तो कहेगा अरे खाली फ्रिज रखा, तो बेइज्जती हो जाएगी पड़ोसी के सामने। तो अच्छा चलो ऐसा करो कि सब्जी ले आओ फिर। अब हम जानते हैं कि रोज ताजी सब्जी मिलती है, सवेरे भी मिलती है शाम को भी मिलती है, लेकिन चूंकि पड़ोसी को दिखाना है कि हमारा फ्रिज खाली नहीं है, तो 10-12 दिन की इकट्ठी खरीद लाए, भर दिया उसने, अब सब्जी भर दी, अब कुछ हिस्सा खाली पड़ा हुआ उसका क्या करें। तो हम जानते हैं, मेरी माँ मुझको बचपन से कहती थी कि देखो आटा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, और मेरी माँ को मैंने बचपन से देखा और वो मुझे अभी भी याद है कि अंत में आटा अगर सरप्लस बचा तो चाहे तो कुत्ते की रोटी बना दिया, चाहे तो किसी की रोटी बना दिया, खिला दिया, कभी भी आटा। तो मैंने एक दिन पूछा तो उसने कहा खराब हो जाता, शायद उसमें फर्मेंटेशन हो जाता होगा।
तो मेरी माँ शायद वो साइंटिफिक बात नहीं जानती कि फर्मेंटेशन हो जाता होगा, खराब हो जाता हो वगैरह, तो खर नहीं। फिर क्या हुआ, अब आ गया फ्रिज, तो आटा तो बचा नहीं है भाई, नहीं तो रखेंगे क्या इसमें, और रखेंगे नहीं तो दिल को शांति कैसे मिलेगी कि ये आया है तो इसका कुछ तो करें। तो जानबूझ के आटा बचाना चालू कर दिया। अब आटा बचाना चालू कर दिया, अब उसमें कुछ और भी रखना, तो सब्जी ज्यादा बनाना शुरू किया ताकि शाम को गर्म करके खाए, फिर दाल ज्यादा बनाना शुरू कर दिया ताकि शाम को भी काम में आ जाए, अब भर भर के रखना शुरू कर दिया। फिर एक पोर्शन ऐसा भी था, उसका क्या करें, तो यूरोप की नकल करके उसमें पानी की बोतल भर के रखना शुरू कर दिया। अब ये सब आ गया। देखिए क्या होता, टेक्नोलॉजी के बारे में हम ये मानते हैं कि वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए होती है और हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होती है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जिसने आपको चक्कर की तरह से घुमाना चालू कर दिया। सच्चाई यह है कि फ्रिज को आप नहीं चलाते, फ्रिज आपको चलाता। और कैसे चलाता है कि जबरदस्ती पानी भर के रख दिया, अब मेहमान आया कहेगा जरा प्यास लगी है, तो बोतल निकाल के मेहमान के सामने रख दी। क्यों रखी भाई बोतल, गिलास में रख के क्यों नहीं ले गया? इसलिए कि मेहमान को पता चले कि घर में फ्रिज है। अगर गिलास में भर के ले जाएंगे तो पता चला माटले का है, ये मान लेगा वो, तो इसलिए बोतल साथ में ले जाकर रख दिया उसके सामने। और लोगों ने भी मान लिया कि बोतल से पानी पीना बड़ी स्मार्टनेस की बात, और प्लास्टिक की बोतल हो तो और भी स्मार्टनेस। तो घन चक्कर चालू हो गया है, और वो घन चक्कर घर घर में, घर घर में, घर घर में, गली गली में फैल गया। अब उसमें से एक दूसरा चक्कर और शुरू हो गया कि मेरे पड़ोसी के घर में तो मेरे घर में क्यों नहीं। सारा भारत इसी में बर्बाद हो गया। किसमें बर्बाद हुआ कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, डूब गए इसी में सबसे। अब सारी की सारी इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्ट इसी में डूब गया कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद है। माने उसके घर में फ्रिज तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसके घर में टीवी तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसके घर में मारुति तो मेरे घर में क्यों। तो हुआ क्या, टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी ने आपको अपने लिए तैयार कर लिया। माने जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपकी जरूरत की कितनी टेक्नोलॉजी है, इस पर अगर आप कभी गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि घन चक्कर तो आप बने हुए हैं, टेक्नोलॉजी आपको चला रही है, आप टेक्नोलॉजी को नहीं चला रहे। मुश्किल हमारी ये है। तो इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं कि हो सकता है रेफ्रिजरेटर उनके देश में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी हो, मेरे लिए नहीं हो। तो आप कहेंगे फिर मेरे लिए क्या होगा, तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम टेलीविजन से एक कदम आगे की कोई चीज बनाए। इस गंभीरता को समझिए, थ्योरी तो एक ही है, हाइपोथेसिस तो एक ही है। तो उन्होंने जो एमिशन हुए इलेक्ट्रॉन है, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है, उनका इस्तेमाल किया और उसके इस्तेमाल से उन्होंने पिक्चर भी बनाया, साउंड भी दिया। हो सकता है हम हमारे लिए कोई चीज बनाएंगे तो टेलीविजन से एक कदम आगे की होगी, टेलीविजन नहीं हो सकती। और जब हम ऐसा सोचना शुरू करेंगे तभी हम यूरोप और अमरीका से आगे जाएंगे, नहीं तो हमेशा उनके पीछे रहेंगे कटोरा लेंगे। और ऐसे फिर हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए फिर एक बेसिक आइडिया यही होना पड़ेगा कि अगर अमेरिका में कोई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे उदाहरण आज का दे दूं, ताजा ताजा पेजर या ये जो सेलुलर फोन, तो पेजर आया, क्यों आया, मेरे कुछ दोस्त हैं कहते हैं अरे तुम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आदमी हो, काहे को ये सवाल पूछते। मैंने कहा इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का आदमी हूं, मैं समझना चाहता हूं कि इस पेजर की जरूरत क्या। कहने लगा ये पेजर आएगा तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हिसाब लगाता हूँ कितने दिन में एफिशिएंसी बढ़ती। 3 साल से पेजर चल रहा, और 3 साल से जब से पेजर आया है तभी से हिंदुस्तान का सत्यानाश सबसे ज्यादा हो रहा, प्रोडक्शन इस देश का सबसे कम इसी साल है। तो कैसे मानूं कि पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी है? अगर पेजर के आने से एफिशिएंसी बढ़ी तो इस साल इस देश में जो मंदी आई है वो नहीं होनी चाहिए थी। प्रोडक्शन इस देश का पिछले साल से आधा भी नहीं रह गया है, और 3 साल पहले जो प्रोडक्शन था उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो पेजर आया जरूर, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है एफिशिएंसी बढ़ाने में, नहीं बेवकूफी के कामों। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको मेरा उदाहरण दे रहा हूं, बंबई में रहता, बड़ा भारी एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसका, 400-500 करोड़ का बिजनेस है, डायमंड एक्सपोर्ट करता। उसने पेजर लिया सबसे पहले बंबई, वो शायद पहला ग्राहक है जो बंबई में पेजर उसने लिया। तो मैंने कहा कि काय को फालतू ले लिया, उसने कहा देख मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी इससे। अच्छा मैंने कहा ठीक है देखते हैं क्या एफिशिएंसी बढ़। अब की बार मैं गया तो उसके पेजर पे एक दिन बैठा हुआ था उसके ऑफिस में, टन 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 मैसेज आना चालू हो गया। तो मैंने कहा दिखा जरा क्या मैसेज आ रहा, देख तेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो मैंने मैसेज पढ़ना शुरू किया तो उसकी बीवी का मैसेज था कि शाम को आना तो आलू ले आना। और आलू के साथ साथ कुछ वो भी ले आना, कांदा भी ले आना, क्योंकि घर में खत्म हो।
अब ये मैसेज आया पेजर पे, मैंने कहा इससे तेरी एफिशिएंसी बढ़ गई कि अगर तुझको आलू ही और कांदा ही लाना था तो बिना पेजर के इस देश में तू जब सवेरे निकला घर से तो तेरी बीवी कह सकती थी तुझको, या तू तेरी बीवी से पूछ सकता था कि शाम को जब मुझे वापस आना है तो आलू ले आऊं कांदा ले आऊं। और ये जो घटना मैंने बताई, ज्यादा पेजर का इस्तेमाल ऐसे ही इडियोटिक काम के लिए हो रहा है, उससे कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ रही है, कोई प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा। और ऐसे ही सेलुलर फोन आ गया तो भी हमने माना कि हमारी बड़ी भारी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है। आपको मालूम नहीं है सेलुलर फोन से एफिशिएंसी बढ़ेगी तब आपको दिमाग का कैंसर जरूर हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए कहीं, क्योंकि सेलुलर फोन पर जितनी लंबी बात आप करेंगे सबसे ज्यादा खतरनाक उससे होता है मेडुला को। मेडुला समझते हैं, हाइपोथैलेमस के पास एक छोटी सी डिब्बी होती है, और अगर वो मेडुला आपका बर्बाद हुआ तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और फ्रांस में और जर्मनी में रिसर्चेज हैं जो बता रहे हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा सेलुलर फोन इस्तेमाल किया मेडुला उन्हीं के सबसे ज्यादा खराब होते हैं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे बीट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से एमिट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सबसे ज्यादा असर डालते हैं आपके मेडुला पर। तो फ्रांस में और जर्मनी में जब देखना शुरू किया उन्होंने कि इससे मेडुला पर असर पड़ रहा है और इससे हेल्थ पे असर पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा ये फालतू की चीज है, इसको भगाओ, और भगाओ तो कहां ले जाए, तो हिंदुस्तान डंपिंग ग्राउंड है, ले आए यहां पे, पटक दिया यहां लाके, और वो ले लेके घूम रहे हैं, स्टेटस सिंबल बना हुआ है। क्या करते हैं, पीक टाइम में एक कॉल करो तो 16 रुपए का खर्चा, अरे इससे अच्छा तो अपना टेलीफोन है, 2.25 रुपए में एक कॉल पे बात कर सकते हैं। तो पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं आप अपनी इकोनॉमी का, नेशनल एक्सचेंज का पैसा डूब रहा है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी आप ले आए हैं जिसको आप क्या करें आपको खुद नहीं मालूम है, जबरदस्ती का एक स्टेटस सिंबल बना के आप घूम रहे हैं। और ये एक ऐसा हेडेक हो गया है कि हर समय आपके पास फोन तो हर समय टेंशन, ये आप लिख लीजिए, कम से कम यात्रा के समय आपके पास फोन नहीं है तो आप टेंशन लेस हो सकते हैं, लेकिन यात्रा में भी फोन है, पीप 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 चालू हो गया तो पता नहीं कौन सी बात है, चलो सुनो भाई उसको, तो सुन रहे हैं, कार चला रहे हैं और दे मारी हो गया एक्सीडेंट। आपको मालूम है अमरीका में कार चलाते चलाते फोन पर बात नहीं कर सकते आप सेलुलर को, और देख लिया किसी ने तो झट से फाइन करेगा $100 का, अंदर कर देगा आपको, क्यों, क्योंकि अमरीका में और यूरोप में सेलुलर फोन पर कार चलाते हुए बात करने में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते, जरा सा भी दिमाग इधर से उधर हुआ कि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जो कुछ टेक्नोलॉजी बाहर से आई है वो सब हमारे काम की है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमको उस टेक्नोलॉजी को अपने देश की जरूरत और अपने देश की प्रायोरिटीज के हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप तो टेक्नोलॉजी के लोग हैं और टेक्नोलॉजी के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए लोग हैं, और शायद आप आगे लगेंगे भी इसी दिशा में, तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही अपील है और निवेदन है कि पहला तो आप कभी भी इस देश को छोड़कर जाने का ख्याल आपके दिमाग में आए तो पहले भुगतान करिएगा जो पढ़ाई पर आपके खर्च हुआ, उसके बाद बाहर जाइए। देश की सरकार ने जो आपको पढ़ाने में खर्च किया है, जो सब्सिडी आपको दी गई है, पहले उसका भुगतान कर दीजिए, उसके बाद बाहर जाने की बात सोचिए, क्योंकि अगर इस देश के खून पसीने की कमाई के पैसे से आप इंजीनियर बने हैं तो आपको इस देश में सर्विस देनी ही होगी, ये देश कोई बाहर के लोगों से सर्विस नहीं लेगा, आपको ही देनी होगी। और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो ये राष्ट्र क्या है और राष्ट्रीयता क्या है उसको भी समझने की कोशिश करिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको राष्ट्रीयता सिखा सके, राष्ट्र का सम्मान सिखा सके। और तीसरी बात, जब भी आप बाहर जाने की सोचें तो ख्याल इतना रखिए कि भारत का 15 से 20 अरब डॉलर का हर साल का नुकसान है, ये हम करें। और ऐसी क्राइसिस जब इस देश में हो कि एक एक डॉलर के लिए, एक एक पैसे के लिए इस समय मारामारी चल रही है इस देश में, और हर साल हमारा अरबों डॉलर इसमें बर्बाद हो जाए, तो ये कोई इंटेलिजेंट बात नहीं। और चौथी बात, कभी भी बाहर से आई हुई टेक्नोलॉजी आपके बहुत काम की है, इसको अंधभक्ति में मत लाइए, उस टेक्नोलॉजी का आपके व्यस्त यहाँ के जीवन में, भारत के जीवन में, यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार कितना इस्तेमाल हो सकता है उसका ध्यान रखिए। और एक आखिरी बात और, कि जब ये टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के जीवन में एक हिस्सा तो है वो हाईटेक वाला है, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वाला है, एक और हिस्सा हमारे जीवन का जो जीरो टेक्नोलॉजी वाला है। और मेरा आपसे एक आखिरी निवेदन है कि इस देश को बाहर के देशों की जीरो टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमको जरूरत है शायद कहीं हाईटेक में, तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हाईटेक के एरिया में कोई भी देश हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रहा, हमारे देश में जितनी हाईटेक की जरूरत है वो सब हम तैयार कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हमारे देश में एक जमाना था कि मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं,
और आज इस देश में 250 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल्स हैं, वो सब की सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनी हैं, हमारे ही वैज्ञानिकों ने बनाई, कोई विदेशी आके नहीं दे गया हमको। इसी तरह से एक जमाना था कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पास 12 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर है जो 100% इंडिजिनस है, और वो अमेरिकन कंप्यूटर से किसी भी तुलना में कम नहीं। और अभी तो दुनिया के ऑर्डर्स मिलने की तैयारी हो रही है कि इतना सस्ता सुपर कंप्यूटर भारत ने बना लिया, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि कभी जाइए, मौका मिले तो DRDO के जहां रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन वहां पर काम करता है, और वो सबके सब रात दिन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, कोई विदेशी कंपनी वहां नहीं आती टेक्नोलॉजी देने की। और एक जानकारी और दे दूं, अभी पिछले कुछ दिनों में भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था वो बिना किसी कंपनी की मदद के हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1977 में इस देश में एक सरकार बनी थी मुरारजी भाई देसाई की। उस मुरारजी भाई देसाई की सरकार ने क्या किया था, मुरारजी भाई देसाई की सरकार ने IBM नाम की अमेरिकन कंपनी को हिंदुस्तान से गेट आउट किया था। और IBM नाम की जब अमेरिकन कंपनी को गेट आउट किया हिंदुस्तान से, तभी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का जन्म भी हुआ इस देश में। और आज हम इस स्थिति में है कि ना सिर्फ अपने देश की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, बल्कि एक्सपोर्ट की क्षमता भी हमारे पास जबरदस्त है। तब जब हमारी हैसियत इतनी अधिक हो गई है, तो अमरीका कोशिश कर रहा है कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया जाए। तो उसके लिए क्या चल रहा है, हमारे देश में पिछले 40-50 साल में जो भी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, और जहां पर हम सेल्फ सफिशियंट हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, उसी सेक्टर पर अभी सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है अमेरिका और यूरोप की तरफ से गैट के माध्यम से। आपको मालूम है हमारे देश में जो पेटेंट एक्ट है उसमें कभी भी प्रोडक्ट पेटेंट नहीं होता, प्रोसेस पेटेंट ही होता। और चूंकि प्रोसेस पेटेंट का प्रोविजन हमारे यहां है, और हमारे देश के इंडस्ट्रीज के सभी सेक्टर में पेटेंट होता भी नहीं है, कुछ ही सेक्टर में पेटेंट होता है, उसका कारण यह है कि हमारे यहां ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार नहीं माना जाता, ज्ञान पूरे समाज के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए पेटेंट की कल्पना भी नहीं। और मैं कभी कभी यही कोशिश करता हूं समझने की कि मान लीजिए जिस आदमी ने सबसे पहले इस देश में व्हील का इन्वेंशन किया होगा, अगर उसने कभी पेटेंट करा लिया होता व्हील पे, तो क्या होता इस देश का, हम तो रुक गए होते वहीं के वहीं। इसलिए भारत में कभी भी ये कल्पना नहीं होती कि ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार होता, ज्ञान समाज के लिए उपलब्ध होता है, सर्व सामान्य के लिए उपलब्ध होता। लेकिन अमेरिका और यूरोप की तरफ से इस समय भयंकर प्रेशर है कि भारत सरकार अपने पेटेंट कानून बदले और यहां पर प्रोसेस पेटेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पेटेंट भी दिया जाए, और उसकी तैयारी भी चल रही है, गेट करार के माध्यम से यही प्रेशराइजेशन इस प्रेशराइज किया जा रहा है भारत पर। और उसके साथ भी ग्लोबलाइजेशन और रिवलाइजेशन के नाम पर पूरे के पूरे भारतीय बाजार में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां घुस जाएं और पूरे भारतीय बाजार को कंट्रोल करने उसकी भी कोशिश वो कर रहे हैं, और ये एक नए तरह के कॉलोनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये जो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर इस देश में चल रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन नहीं है, लिबरलाइजेशन नहीं है, ये रिकॉलोनाइजेशन है। और ये रिकॉलोनाइजेशन ऐसे ही शुरू हुआ होगा जब कभी अंग्रेजों ने चलाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज भी इस देश में हजारों विदेशी कंपनियां आ रही हैं, और उनका भयंकर प्रेशर इस समय भारत सरकार के ऊपर है। आपको मालूम है बासमती को पेटेंट करवाने, पहले नीम को कराया, फिर हल्दी को कराया, फिर हल्दी के बाद अदरक पे कराया, अब उसके बाद बासमती पे करा ली। उनके बाप दादों ने नहीं देखा कि नीम का पेड़ कैसा होता, लेकिन नीम पे पेटेंट करा के बैठे। एक अमेरिकन साइंटिस्ट है टोनी लार्सन, उसने नीम पर पेटेंट लिया। मैंने उसको चिट्ठी लिखी थी टोनी लार्सन को, मैंने पूछा था टोनी लार्सन साहब आपको मालूम है नीम का पेड़ कैसा होता, उसको मालूम नहीं है नीम का पेड़ होता है कि झाड़ी होती है, लेकिन पेटेंट करा के बैठा है वहां अमरीका में, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने दे भी दिया है उनको। और उसने क्या दावा किया जानते हैं, कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया। इससे बड़ा इडियोटिक कोई दूसरा तर्क हो सकता कि नीम का इन्वेंशन किया उसने। ये कहे कि मैंने नीम की डिस्कवरी किया तो समझ में आता वो नीम का इन्वेंटर कैसे हो सकता। और आप जानते हैं दुनिया में डिस्कवरीज को पेटेंट नहीं किया जाता, इन्वेंशन ही पेटेंटेबल होते हैं। तो उसने झूठ बूट बोल के कह दिया कि ये हमारा इन्वेंशन, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने बिना ये चेक किए हुए, बिना जाने समझे हुए उसको पेटेंट भी दे दिया। अब उसकी लड़ाई चल रही है अमेरिकन को। ऐसे ही बासमती के बारे में उन्होंने क्लेम किया, ऐसे ही हल्दी के बारे में क्लेम किया, तो हल्दी का केस तो अभी हम जीते हैं, अभी अदरक का केस चल रहा है, फिर मिरी का केस आएगा। तो क्या कर रहे हैं वो, हमारे पास जितनी बेहतरीन चीजें हैं उन बेहतरीन चीजों पर वो बराबर पेटेंट करा के उनमें से बिलियंस ऑफ डॉलर के रुपए कमाने के सपने देख रहे हैं।
और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये अमेरिकन और यूरोपियन ब्लॉक की तरफ से जो अटैक हो रहा है भारत के ऊपर, ये इकोनॉमिक अटैक है, इकोनॉमिक ऑनस्लॉट है। और ये इकोनॉमिक अटैक के दो हिस्से हैं, एक तरफ तो भारत के पास जो मौजूद ज्ञान है और जो संपत्ति है, जो रिसोर्सेज हैं, इनको लूट लिया जाए, और दूसरी तरफ भारत के बाजार को अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों के माल से भर दिया जाए। तो अगर इस समय इतना भयंकर अटैक चल रहा है भारत की इकोनॉमी पर, तो इस अटैक में हम सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम इसको रोकें। और इसको रोकें तो कैसे संभव है? अमरीका का अगर आप विरोध करना चाहते हैं और अमरीका को यह जवाब देना चाहते हैं कि हम तुम्हारी धमकी में आने वाले नहीं, तो आप अमरीकन कंपनियों के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए, अमरीका को अकल आ जाए। और अमरीकन कंपनियों के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना इसलिए भी जरूरी है कि आपको मैं एक दूसरी जानकारी दे दूं कि अमरीका में इंडियन प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू हो गया। हमारे देश की बेस्ट क्वालिटी की कॉटन की स्कर्ट जाती थी अमेरिका, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस पर कोटा फिक्स कर दिया पहले तो, क्योंकि इंडियन स्कर्ट इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि वहां अमरीका के कई कारखाने बंद हो गए हमारी स्कर्ट के बिकने के कारण। तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन स्कर्ट पर कोटा फिक्स कर दिया, और कोटा ही फिक्स नहीं किया, उसके बाद उन्होंने तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी ताकि ये हिंदुस्तान का माल उनके यहां आने ना पाए। ऐसे ही अमरीका ने क्या किया, हमारे देश का कालीन जाता, गलीचा, कारपेट, बेस्ट क्वालिटी का कालीन हम बनाते हैं दुनिया में। दो ही देश हैं जो बेस्ट क्वालिटी का कारपेट बनाते हैं, एक तो ईरान और एक है हम। तो ईरान का माल तो अमेरिका में पहले से ही पाबंदी लगा हुआ है जब से गल्फ वॉर हुआ था। तो हमारा कालीन जाता है, हमारा गलीचा जाता है, कारपेट जाता है, उस पर भी अमेरिका ने एक नए तरीके से हमला किया है। कैसे? कि हम भारत का कालीन नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इसमें बच्चे काम करते हैं, चाइल्ड लेबर है। और अब आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में क्या होता है, अमरीका में 14 साल का बच्चा जब इंडस्ट्री में काम करता है और साथ साथ पढ़ाई करता है तो उसको कहते हैं कि ये सेल्फ सफिशियंट है, उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये सेल्फ सफिशियंट है। और मेरे देश का कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ मिलकर कारपेट बना रहा है तो कहते हैं ये चाइल्ड लेबर है। अमेरिकन इंडस्ट्री में करोड़ों बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि अमरीका में पढ़ाई का खर्च बहुत है, बिना काम किए हुए आप पढ़ नहीं सकते। तो वहां के बच्चे काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो उनके बारे में वहां बड़ी प्रशंसा में कहते हैं कि ये सब सेल्फ रिलायंट हैं, सेल्फ सफिशियंट हैं। और मेरे देश के बच्चे अगर कालीन बनाते हैं तो कहते हैं ये चाइल्ड लेबर है। ये दो मुहा व्यवहार है अमेरिका, और उनको आपके माल को बैन करना है, अमेरिकन माल। और तीसरा, अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने हमारे देश से जाने वाले टेक्सटाइल पर भी कोटा फिक्स कर दिया, उससे ज्यादा हम बेचते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा बेचने की चीज अगर कोई है तो वो टेक्सटाइल में ही है, क्योंकि हमारे पास सरप्लस भी वहीं पर है और बेस्ट क्वालिटी भी वहीं पर है। और हमारे पास कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनको हम बेच सकते हैं, उन पर भी कोटा लगाने की बात चल रही है। तो अमरीका अपने मार्केट में हिंदुस्तान के सामानों को लगातार ब्लॉक करता जा रहा है, और उसके लिए तमाम तरह के सख्ती से कानून बनाता जा रहा है। अमेरिकन पार्लियामेंट ने अभी एक कानून बनाया जिसका नाम है बाय अमेरिकन एक्ट। वहां की सरकार को मजबूर किया जाता है कि तुम अमरीकी ही माल खरीदना, कभी भी विदेशी माल नहीं। तो इस समय अमेरिका अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर बाय अमेरिकन एक्ट की बात कर रहा है, तो हम हमारी पार्लियामेंट से बाय इंडियन एक्ट बनवाएं, इसके लिए प्रेशराइज करना पड़ेगा, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। और बार बार लगातार ये इतिहास रहा है कि दुनिया के ये जो विकसित देश हैं, ये विकासशील देशों को चूसने के लिए, शोषण करने के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं, अपनाते रहते हैं। वही एक तरीका हमारे सामने। और इस समय हमारे देश में भयंकर लूट मची हुई है, क्योंकि गलतियां हमारी सरकारों से हुई हैं। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर करके अमरीकी और यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। जानते हैं इस समय कितनी लूट हो रही है? अमरीका और यूरोप की कंपनियां एक साल में हमारे देश से 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही है। और हमारे यहाँ किसी भी अमेरिकन यूरोपियन कंपनी का कोटा फिक्स नहीं है, यहाँ पूरा बाजार उनके लिए खुला है, वो जितना माल लाए डंप कर सकते हैं यहाँ। हमारा माल हम वहां नहीं बेच सकते पूरी तरह, वहां कोटा लगा हुआ। और अमरीका और यूरोप की कंपनियों का माल वो जितना चाहे भारत में लाके बेच सकते हैं, और बहुत सस्ते दाम पर बेच सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बाहर से जो माल आ रहा है हमारे देश में, उस पर टैक्स भी बहुत कम है, और उनकी कंपनियों को एक्सपोर्ट में सब्सिडीज बहुत है, तो बहुत सस्ते दाम पर वो माल डंप कर रहे हैं। नतीजा क्या निकल रहा है? विदेशी माल बहुत सस्ता हो गया है भारत के बाजार में, स्वदेशी माल महंगा हो गया, तो स्वदेशी माल बनाने वाले कारखाने बंद हो गए। पिछले 7 वर्षों में इस देश में 2,40,000 कारखाने बंद हो गए और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। तो भयंकर बेरोजगारी आई है, भयंकर गरीबी बढ़ी है पिछले 7 साल में, और हमारे देश की लूट बढ़ी है।
ईस्ट इंडिया कंपनी एक साल में 60-70 करोड़ रुपया लूट कर ले जाती थी, अब परदेशी कंपनियां एक साल में 70,000 करोड़ रुपए लूट कर ले जाती। इस लूट को बंद करिए, नहीं तो देश की हालत वैसी हो जाएगी जैसी साउथ कोरिया की हो गई, जैसी इंडोनेशिया की हो गई, जैसी मलेशिया की हो गई, जैसे थाईलैंड की हो गई। जानते हैं ये साउथ कोरिया वो देश है जिसने 1990 में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, और अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए साउथ कोरिया। धीरे धीरे साउथ कोरिया में अमेरिका और यूरोप की कंपनियां घुसी और पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया। और आज हालत ये हो गई है, साउथ कोरिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब अमेरिका के कंट्रोल में चली। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है मोटर बनाने वाली हुंडई मोटर, वो इस समय अमेरिकन कंट्रोल में है पूरी तरह। और एक एक करके पूरी साउथ कोरियन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया अमेरिकन कंपनियों ने। और वो साउथ कोरिया जिसको एक जमाने में एशियन टाइगर कहते थे, आज चूहे और बिल्ली से भी बदतर हालत में पहुंच गए। धीरे धीरे हमारे देश की भी हालत ऐसी ही बन रही है, बुरी तरह से मंदी आई है इस समय बाजार में। आपको अगर किसी ऐसे आदमी से बात करने का मौका मिले जो उत्पादन के काम में लगा हो या बिजनेस में लगा हो, तो उससे आप पूछिए कि कितनी मंदी चल रही, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि 40 साल से जो मंदी नहीं आई भारत के बाजार में, वो मंदी पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। और जब मंदी चलती है तो प्रोडक्शन में कमी आती है, और प्रोडक्शन में कमी आती है तो कारखाने बंद होते हैं, कारखाने बंद होते हैं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती है। तो आप लोग ये डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और सपने देख रहे हैं जॉब के, मिलेगी कहां से जॉब आपको, क्योंकि प्रोडक्शन गिरता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम होती जाएंगी, जॉब कहां से मिलेगा। इसलिए इन सब के बारे में गंभीरता से सोचना है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं, और हम इस देश को उतना ही प्यार करते हैं जितना कभी इस देश में लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने किया होगा। तो आपको गंभीरता से एक नया काम और करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि बहुत सारे ऐसे सामान है हमारे देश में जो विदेशी कंपनियां बेचती हैं और जीरो टेक्नोलॉजी के हैं, जिनमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं, तो उन सामानों का हम बॉयकॉट करें। और अमेरिकन सामानों का तो तत्काल बॉयकॉट करिए, और यूरोप के सामानों का भी बॉयकॉट करिए। देश भयंकर आर्थिक संकट में है, इस देश का एक एक पाई बचाइए, एक एक पैसा बचाइए। और आपके घर में, आपके कमरे में, आपके हॉस्टल में हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई सामान विदेशी कंपनी का आने ना पाए, और खासकर अमेरिका और यूरोप की कंपनियों का तो पूरी तरह से बहिष्कार करिए, ताकि इस देश की जनता के माध्यम से हम उनको सबक सिखा सकें। और हर साल अगर हम ये करें तो 70,000 करोड़ रुपया हमारा एक साल में बच सकता है, और उसी पैसे से हम इस देश का भविष्य बना सकते हैं, इस देश की आर्थिक मंदी दूर कर सकते हैं, लाखों लोगों को काम दे सकते हैं, और इस देश को हम आगे ले जा सकते हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये सब सामान जीरो टेक्नोलॉजी के हैं, हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, गैर जरूरत के सामान है, इसलिए इनको खरीदना बंद करिए और सिर्फ स्वदेशी ही खरीदिए। आखिरी बात और कि आप स्वदेशी बने और भारतीय बने और इस बात पर गर्व महसूस करें, तो इसके लिए एक छोटा सा काम और करिए, टेलीविजन देखना बंद करिए, क्योंकि यही टेलीविजन है जो आपको इडियट बनाता है। और हम बार बार लगातार ये टेलीविजन देखते हैं, और टेलीविजन जो इडियोसिटी दिखाता है उसमें हम फंस जाते हैं। और ये टेलीविजन इसलिए देखना बंद करिए कि जेएल बेयर्ड ने खुद कहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सब लोगों को पागल बना दे। टेलीविजन के सीरियल्स या विज्ञापन या उनके कार्यक्रम आपके देश में व्यभिचार फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ऑब्सिनिटी फैला रहे हैं। और ये व्यभिचार, वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी का अगर फैल गया सारे देश में, तो शायद ये देश बचेगा, इसमें शक है। क्योंकि अगर ये देश आर्थिक रूप से खलास हुआ तो इसको फिर खड़ा कर सकते हैं हम, राजनीतिक रूप से भी बर्बाद हुआ तो फिर खड़ा हो सकता, लेकिन अगर ये सांस्कृतिक रूप से बर्बाद हो गया तो कुछ बचने वाला नहीं, क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी तो देश कहां रहेगा। संस्कृति पर ही टिका हुआ है पूरा देश। और मैं आपको इशारे से कहना चाहता हूं कि अमेरिका और यूरोप बर्बाद हो चुके हैं इसी टेलीविजन के चक्कर में। अमेरिका में 35 साल से टेलीविजन चलता, 56 टीवी चैनल है वहां पर, और हर टीवी चैनल जो वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी दिखाता है, वहां के हर टीवी चैनल पर दो ही चीजें हैं दिखाने के लिए, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या दिखाते हैं क्राइम। और इतना क्राइम, इतनी क्रिमिनेलिटी दिखाते हैं बच्चों को कि बच्चे वही देखते हैं, सीखते हैं, और 15-15 साल की उम्र में अमेरिका में बच्चे बैंक लूटते, मर्डर करते। अमेरिका की जेलों में जो इस समय कैदी बंद हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनमें से 60% मर्डरर्स 19 साल के उम्र के आसपास के बच्चे हैं। ये हालत हो गई है। और उस वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी का नतीजा क्या निकला है? अमेरिका में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, उसका नाम है प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस प्यू चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक रिपोर्ट दी है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि अमेरिका दुनिया का वो देश है जहां 1 मिनट में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं बहनों के।
अमेरिका दुनिया का वो देश भी है जहां एक मिनट में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केसेस, अमेरिका वो देश भी है जहां एक मिनट में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं महिलाओं के खिलाफ। और ये सब वहां कौन सिखा रहा है? टेलीविजन सिखा रहा है वहां। और यूरोप में भी यही हालत है। यूरोप में टेलीविजन देख देख कर क्या बर्बादी आई है उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। लंदन में एक गांव है, लंदन के पास का, उस गांव में एक 11 साल की बच्ची मां बनी है अभी कुछ दिन तक, और उसने रिकॉर्ड बनाया है सबसे कम उम्र में मां बनने का। तो उस बच्ची के मां बाप से इंटरव्यू लेने के लिए एक पत्रकार गया वहां लंदन का, और उसने पूछा कि आपकी बेटी 11 साल की उम्र में मां बनी, आपको कुछ कहना है? तो उसकी मां ने कहा कि हमसे सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने अपने घर में डिश एंटीना लगवा दी। और क्या हुआ, माँ भी काम पर जाती थी, पिताजी भी काम पर जाते थे, बेटी घर में अकेली रहती थी, और लंदन में एक चैनल चलता है उसका नाम है Plus 21, सबसे ज्यादा वल्गर टीवी चैनल। और वो टीवी चैनल लड़की ने बार बार देखा, लगातार देखा, कई बार देखा, पैर फिसला, माँ बन गई। तो अब क्या करेंगी आप, पत्रकार ने पूछा। तो उन्होंने कहा एक ही काम करेंगे, पहले अपनी बेटी का एबॉर्शन कराएंगे, फिर टीवी निकाल कर देंगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर लंदन के पास के किसी गांव में ये दुर्घटना हो रही है तो कहीं भारत में ना हो जाए, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं इस देश में होना शुरू हो चुकी हैं। आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से हमने दिल्ली में एक सर्वे किया था, पब्लिक स्कूल्स में दिल्ली में क्या हालत है, 70% स्टूडेंट सेक्सुअल अब्यूजेस में इन्वॉल्व है दिल्ली। ये हालत हो गई है दिल्ली की, बंबई की भी यही हालत। और ये वल्गैरिटी अगर गांव गांव गली गली घर घर में पहुंची तो आप इस देश में क्या कल्पना करते हैं, कौन सा व्यभिचार इस देश में फैलेगा। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप ये टेलीविजन की दुनिया से बाहर निकलिए, इसका स्विच ऑफ करिए, ये देखने लायक चीज है। और दुर्भाग्य क्या है कि टेलीविजन पे जो देखने लायक चीजें हैं, न्यूज और न्यूज एनालिसिस, उन्हीं को कोई नहीं देखता, उस समय टीवी बंद रहता। और फिर एक बात और बता दूं कि आप अगर अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो टेलीविजन आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि टेलीविजन चलता रहे और आप पढ़ाई करें यह संभव नहीं है कभी। और टेलीविजन के सामने से आप उठकर आए हैं, मान लीजिए चित्रहार देखा है या कोई सिनेमा देखा है, और बाद में आके किताब खोलकर बैठ जाएं तो आपके दिमाग में चलेगा चित्रहार और आपके दिमाग में चलेगा वो सिनेमा, पढ़ नहीं पाएंगे आप, आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है ये टेलीविजन। और अगर आप नहीं पढ़ पाए ठीक से और कंसंट्रेशन नहीं बना तो इस देश के लोगों को एक अच्छे इंजीनियर से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं कि हमारा आपका चरित्र बचे, क्योंकि ये टेलीविजन सबसे बड़ा आक्रमण कर रहा है चरित्र के ऊपर। चित्रहार नहीं है, चरित्रहार है जो दिखाया जा रहा है, और ये मनोरंजन नहीं है, चरित्र भंजन के कार्यक्रम है जो टेलीविजन पे आते हैं। और अगर हम हमारा चरित्र ही नहीं रख पाए ठीक से तो बेकार है पूरा का पूरा जीवन, क्योंकि भारतीय समाज में कहा जाता है अगर चरित्र गया तो सब चला गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब गया। और ये चरित्रहीनता की बातें ही सिखा रहा है टेलीविजन कार्यक्रमों के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि ये चैनल्स का बॉयकॉट करिए, बहिष्कार करिए, और इसलिए भी करिए कि इन चैनल्स के माध्यम से करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है। ESPN, स्टार मूवी और जी सिनेमा, इन तीन चैनलों के माध्यम से एक साल में 225 करोड़ रुपया देश के बाहर चला जाता सिर्फ तीन चैनल्स पे, और ऐसे 15 चैनल्स हैं इस देश। तो करोड़ों रुपए की संपत्ति जा रही है और हमारे यहां बर्बादी आ रही है समाज। तो इसलिए ये मत करिए। हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया सारे विदेशी टेलीविजन चैनल बंद कराने का। पहले हमने पिटीशन फाइल किया था लोअर कोर्ट में, वहां हम जीते, फिर हाई कोर्ट में किया, वहां भी जीते, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अगर हम जीते तो सारे विदेशी टीवी चैनल बंद हो जाएंगे, लेकिन आप उसका इंतजार मत करें। हम कोर्ट में जीतेंगे, उसके बाद ये चैनल बंद होंगे, उसका इंतजार आप मत करिए। क्यों? आप अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेकर उसका खुद स्विच ऑफ कर दीजिए। और आपने अगर केबल कनेक्शन लगवाया है तो आप खुद कटवा सकते हैं। आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वहां का केबल कनेक्शन निकलवाइए। आप अगर अपने परिवार में रहते हैं तो अपने अपने परिवार का केबल कनेक्शन निकलवाइए। जहां भी रहते इस टेलीविजन की दुनिया से बाहर आइए। पढ़ने का समय भी काफी खराब होता है इस टेलीविजन के कारण, दिमाग भी खराब होता है, कंसंट्रेशन भी नहीं बनता है, और आपके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगी अगर बार बार लगातार आप इसको देखते रहे। इसलिए ये मत देखिए, और देश की संस्कृति बचाने के इस अभियान में थोड़ी सी आप हमारी मदद करिए।
इस चैनल को बाहर करके। तो आपसे मेरी दो अपील थी, तीन अपील थी। पहली अपील कि बाहर से आने वाली हर टेक्नोलॉजी देश के लिए जरूरी है या जरूरी नहीं, उसको आंखें खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर उसका इस्तेमाल करने की सोचिए। एक दूसरा कि जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है इस देश में उसको इनोवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करना है, अगर आपको लगे तो आप अपना थोड़ा जीवन दान उस काम के लिए करिए। तीसरी अपील कि कभी भी आप अपने जीवन में विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदिए, खासकर जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम। और चौथी अपील कि इस संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा टेलीविजन की दुनिया से बाहर आने की कोशिश करिए, तो हम लोगों के लिए आपका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और मैं इसी के लिए आपसे कुछ मांगने आया, वोट मांगने नहीं आया, और नोट मांगने भी। तो आप पूछेंगे फिर क्या मांगने है? मैं आपसे समय दान मांगने, एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है, इस 24 घंटे के समय में से एक घंटे का समय दान करिए। तो आप पूछेंगे क्या करें? जो कुछ मैंने कहा इसी बात को किसी नए व्यक्ति को कहिए, और रोज अगर आप किसी एक व्यक्ति को ये बात समझाएंगे तो साल में 365 व्यक्तियों तक ये संदेश पहुंचेगा, और उन 365 व्यक्तियों में कौन जाने कोई दूसरा राजीव दीक्षित निकले और इस देश के हजारों लोगों तक संदेश पहुंचे। तो एक बहुत बड़ा वैचारिक आंदोलन इस देश में खड़ा करना है, अंग्रेजियत से आजादी का और स्वदेशी को स्थापित करने का, और उस आंदोलन के आप सिपाही बने, आपका समय दान मिले, तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जो कुछ कहूंगा आप उसको दोहराएंगे, और बहने जहां मैं कहूंगा करूंगा वहां बहने कहेंगी करूंगी, इसका ध्यान रखेंगे। और हम लोग गंभीरता के साथ ये संकल्प लेंगे और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों ने मेरे राष्ट्र पर जो पाबंदियां लगाई हैं और भारत का जो अपमान किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूं कि कभी भी किसी भी अमरीकी कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। पेप्सिकोला, कोका कोला, कॉलगेट, जॉनसन एंड जॉनसन, डॉक्टर एंड गैम्बल आदि अमरीकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार करूंगा।